लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Nice, we should do it again. Sit down. How much? $300,000. When and where? Next week he goes to India. We sent you. How much? The deal is $100,000. Done. Mm-hmm. Where? He'll be arriving to Kolkata this weekend. Kire, Brahmani asheche mash kinte. Ye to non veg ke alawa kuch khata hi nahi hai. Ah, Divedi ji, kaise ho? मैं अच्छा हूँ, जल्दी आ जाओ। आज मुझे दो टोकरी मछली ज्यादा चाहिए। आज क्या खास बात है, हमेशा एक टोकरी लेते हो। अरे भाई द्विवेदी जी को तीन टोकरी दो। अरे रोज एक टोकरी लेता हूँ। आज बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया है मैंने अपने घर में। अरे भाई सुनो, सिर्फ मछली ही रखना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। और सुनिए, ये लीजिए, दिल्ली से मेरे बुआ के लड़के ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। शुक्रिया। माल कितना है? 25 लाख। ओ 25 लाख। कब 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 स्वामी जी कब आ रहे हैं? 2 दिन में। टपका देंगे। ऐसा ना हो कि कोई हमें टपका दे। हमें टपकाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इसीलिए तो यारो मैं चैंपियन कहलाऊं, टमक टमक सब डोले जहां जहां मैं चाहूं, इसीलिए तो यारो मैं चैंपियन कहलाऊं। मेरी नजर लगे लगे जिसे हो जाए मेरा, तोड़ सका नहीं नहीं कभी कोई मेरा घेरा, एक जगह कभी मैं नहीं ठहरा। टमक टमक सब डोले जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, इसीलिए तो यारो मैं चैंपियन कहलाऊँ। टमक टमक सब डोले जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, इसीलिए तो यारो मैं चैंपियन कहलाऊँ। हे ला 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 ला, हे कल आए नहीं, कल क्या होगा सोचू नहीं, आज मैं जीता हूँ यारो, दुख मेरे पास फटकते नहीं। एक एक पल है कीमती, उसको गवारा नहीं, जिस राह पे मंजिल नहीं उस पे जाना नहीं। यहाँ नहीं मैं किसी से कम, बढ़ता जाऊं कदम कदम, टमक 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 सब डोले जहां जहां मैं जाऊं, इसीलिए तो यारो मैं चैंपियन कहलाऊं। टमक टमक सब डोले जहां जहां मैं जाऊं, इसीलिए तो यारो मैं चैंपियन कहलाऊं।
कोई काम नहीं, ना कर तो मेरा नाम नहीं, करता हूँ वो दिल जो कहे, सोचू कभी अंजाम नहीं। पाँव में है धरती मेरी, बाहों में है आसमान, रख दो जहाँ मैं ये कदम, बन जाए मेरा निशान, यहाँ नहीं मैं किसी से कम, बढ़ता जाऊँ कदम कदम, डमक 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 सब डोले जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, इसीलिए तो यारो मैं चैंपियन कहलाऊँ, डमक डमक सब डोले जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, इसीलिए तो यारो मैं चैंपियन कहलाऊँ, मेरी नजर लगे लगे जिसे हो जाए मेरा, तोड़ सका नहीं नहीं कभी कोई मेरा घेरा, एक जगह कभी मैं नहीं ठहरा। सब तेरी वजह से बेटा, सब तेरी वजह से। अगली सुपारी आज ही मिल गई होगी। बिल्कुल, लेकिन आज के बाद एजेंट नहीं है, अंडरवाटर से मार दिया ना, इसलिए डायरेक्ट डीलिंग शुरू कर दिया है। तो अमाउंट भी डबल हो गया होगा ना? अमाउंट मेरो। सॉरी अबूजान। अपने छोटू को देख कैसे टपकाता है ये। अगला ऑर्डर मेरे हवाले करो, देखो फिर मैं कैसे टपकाता हूँ। कैसे टपकाओगे? कैसे टपकाऊंगा? छोटू को पकड़ के ऐसे चिपकाऊंगा। ये मैं पहले ही जानता था। हे राका, अगली सुपारी यहाँ नहीं, फॉरेन में। ये बात है। वाओ, वी'ल डू इट। डू यू लाइक टू हैव जूस सर? नो थैंक्स। मेरे लिए? तुम्हारी तरफ आएगा ना अंकल? फ्री है ना, दोनों तरफ से लेके पी लेते हैं। मुंबई में किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, वो कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसके बारे में कुछ जानते हो? अमर सिंह का बोर्ड लेके कोई एग्जिट पे खड़ा होगा, उसके साथ जाने से सब कुछ पता चल जाएगा। यार जिसके बारे में नहीं जानते उसके साथ धंधा क्यों करते हो? चाहे कुछ भी हो जाए अंकल, हम फंसने नहीं चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उस अमेरिकन स्वामी जी को हम पहले से जानते थे क्या? उसे अंडर वाटर से टपकाने की वजह से ही तो हम लोकल न्यूज से आज ब्रेकिंग न्यूज बन गए। कोई भी सबूत न मिलने की वजह से पुलिस ने भी फाइल क्लोज कर दी है। उसके लिए कितने गेटअप चेंज करेंगे हम लोग? पकड़ेगा ना तो जिंदगी भर के लिए अंदर हो जाएंगे। बस एक ही एक फाइव स्टार होटल बनाने का इरादा है मेरा, उसके बाद सब बंद कर देंगे। पुलिस ने अभी तक फाइल क्लोज नहीं की है, सबूत इकट्ठा कर रही है। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। अरे भागो, भागो। अरे बैठो बैठो बैठो, बाहर जंप मारोगे क्या? मैं पुलिस नहीं हूँ, डरो मत। शुक्र है। तो फिर हमारी बातों को रिकॉर्ड क्यों किया सर आपने? उस रिकॉर्डिंग से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इस लिफाफे में तुम दोनों के लिए रिटर्न टिकट्स हैं। मुंबई में उतरते ही अगली फ्लाइट पकड़कर कोलकाता वापस चले जाना। नहीं नहीं, हम लोग मुंबई में किसी से मिल। वो कोई और नहीं, मैं ही। मेरे बुलाने पर ही तुम आए हो। धंधे की बात फ्लाइट में ही निपटा दें तो मेरा आता पता तुम नहीं जान सकते है ना, इसीलिए ये मीटिंग मैंने आसमान में रखी है। तुम लोगों को किसे मारना है, कब मारना है, कहाँ मारना है, ये सारी डिटेल्स बताने के लिए मेरे आदमी तुमसे कल मिलेंगे। With full amount. फिकर मत करना। उसे टपकाने के लिए कितने लोग चाहिए? बस एक ही आदमी, राका ही उसे मारेगा, वो भी बहुत दूर से, क्योंकि कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता। ओके, एनीथिंग एल्स? और उसके बारे में हमें डिटेल्स कब तक मिलेंगे? उस रिटर्न टिकट को दिखाते ही मेरा आदमी सब कुछ बता देगा। बी केयरफुल, तुम्हारा ऑडियो मेरे पास है। नॉट ओनली ऑडियो, तुम्हारा वीडियो भी मेरे पास है। तुम लोगों को किसे मारना है, कब मारना है, कहाँ मारना है, ये सारी डिटेल्स बताने के लिए मेरे आदमी तुम। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट। नो प्रॉब्लम। ये कैसे रिकॉर्ड किया? वीडियो कैमरा यहाँ है और ये रहा ब्लूटूथ मेमोरी स्टिक।
अरे तू किससे पंगा ले रहा है? सॉरी सर, ये थोड़ा मजाकिया किस्म का है। इसे मजाकिया कह रहे हो? 6 महीने के अंदर ये इस फ्लाइट को खरीदने निकलेगा। तुम्हारा ऑडियो। योर वीडियो। तैयार हो गए क्या? हाँ तो पार्टी आ गई क्या? एक कमिश्नर की गाड़ी आ गई है, उसके पीछे उनकी गाड़ी भी आती होगी। सर, बिल्डिंग के चारों तरफ सिक्योरिटी है, नजर रखा। कार पार्क में भी बंदूक रखी जट ने हुण हो जू बल्ले बल्ले। जज की गाड़ी आ गई क्या? रेडी? हाँ रेडी रेडी। इतनी भीड़ है, गोली किस पे चढ़ाऊं? मधुमक्खियों की तो जम गए हैं सबके सब। उड़ाना किसे है? उधर देखो, लाल गुलाब लिए असिस्टेंट कमिश्नर खड़ा है। वो असिस्टेंट कमिश्नर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। उसको फॉलो करो। वो एक बच्ची के हाथ में गुलाब देगा। हाँ। और वो बच्ची जिसके हाथ में गुलाब देगी वही जज है। जज है? क्यों, कोई गलत फैसला दिया? टाइम पास मत कर, वो अंदर चले जाएगा। ठीक है। अरे मारना, क्या सोच रहा है? अरे तेरा निशाना कैसे चूक गया? चलो भागो। सरदार जी को पकड़ो, कोई रुकम करे भागो भागो जल्दी भागो। चलो एक मिनट रुको। सॉरी अंकल, तुमने बचाने के लिए मैं तुम्हें मारा है, अब इसे दिखा के किसी तरह बच निकलो। বল উপর দিকে দুইজন আসলো, ও আমিকে ধরতে গেলাম, আমিকে মেরে কোন দিকে ভাগলাম? একজন ওই দিকে গেল আর একজন উপর দিকে। তোমরা ওই দিকে যাও, বাকিটা আমার পেছনে। জান পচিশ লাখ পায়ে চলো ভাগো এখান থেকে। Oh!
everybody now make way. No, you ain't gonna get way. अपने बच्चों के साथ हुए इस खौफनाक अंजाम को देखकर कितने माँ बाप अभी तक रो रहे हैं पता है आप लोगों को? ट्रकों में भर भर कर ले जाने वाले हड्डियों में कहीं हमारे बच्चों की भी हड्डियां ना हो, ये सोचकर उन हड्डियों को पहचानने की कोशिश न जाने कितने माँ बाप ने की है। इस कठोर कार्य की तहकीकात के लिए ही मेरे नेतृत्व में CBI ने इस इंक्वायरी कमीशन का गठन किया है। क्या पूछा आपने? किसी ने पीछे से पूछा कि करोड़ों रुपए मिल जाए तो इस इंक्वायरी कमीशन को बंद करके आप जाएंगे कि नहीं? कौन था वो? सॉरी, कुछ पत्रकारों के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना सवाल करने की वजह से ही मैंने आपको ये क्लिपिंग सिखाया। कमिश्नर साहब, आपसे एक सवाल है। Yes. क्या फरार हुए मुजरिम को पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ा तो ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पूरे डिपार्टमेंट के लिए बेइज्जती की बात होगी। सर, इस तरह के मर्डर की धमकी दोबारा आए तो आप क्या करेंगे? ये कैसा बेतुका सवाल है आपका? मैं हजारों बार कह चुका हूँ, मैं किसी भी धमकी से नहीं डरने वाला। मेरी बात सुनिए, इस इंक्वायरी कमीशन को पूरा करके मुजरिमों को कटघरे में खड़ा करने के बाद ही मेरा अपना गाँव चले जाना या फिर स्वर्ग सिधारना होगा। लाइव टेलीकास्ट का क्या मतलब है? आप वही सवाल करते रहेंगे और मैं वही जवाब देता रहूंगा। मुझे हजारों काम है लेकिन आपका यही एक काम है। ए मिस्टर, अदालत में जज के बैठने से पहले कोई बैठता तक नहीं और आप हैं कि सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। ये मत भूलिए कि ये भी एक जज हैं। अरे चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से दूसरे प्रेस वाले भी बदनाम हो रहे हैं। शांत हो जाइए सर। Why are you getting angry? I am not angry. This is my way of answering to the silly questions. That's my nature. Excuse me sir, one last question please. Yes, come on. आप यहाँ अकेले हैं या साथ में कोई और भी है? Oh, आप दुश्मनों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहती हैं? I don't care. लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ मैं अकेला नहीं आया हूँ। ये क्रिसमस वैकेशन यहाँ कैलकटा में मनाने के लिए अपने बहुत बड़े परिवार को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। अब तो खुश हैं आप? Okay, that's it. Thank you. No more question. भाईजान, किसी को हमारा बोट 10 दिन के लिए किराए पर चाहिए, अच्छी रकम देगा। बुलाऊं क्या? नीचे बिठा के रखो। भाईजान, वो बोट देखना चाहते हैं। अरे अरे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तुझे आजकल चर्बी चढ़ गई है। ड्रामा करके टपकाऊंगा, डांस करके टपकाऊंगा, ऐसा कह रहा था मुझसे। अब लोग हमें टपकाने के लिए आ रहे हैं। हर धंधे में रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, खास करके हमारे धंधे में। आओ जान, तुम आओ। कुर्सी लगाओ, बोला ना कुर्सी लगाओ। अरे तुम आओ। गंदे से हाथ हटा। तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ जॉन। अब क्या करना है ये बोलो। क्या कर लोगे तुम? एजेंट के थ्रू आया होता तो उसकी गर्दन पकड़ लेता, डायरेक्टली सौदा किया ना। जज को तो मैं यूं ही टपका देता, ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हुए, लेकिन मेरी गैंग फंस जाती। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था साला पिता, अब चुप क्यों बैठा है? अरे जॉन, छोटा बच्चा, छोटी सी मिस्टेक बड़ी मिस्टेक। हाँ, कबूल करते हो ना, छोटा बच्चा है तो कंचे खेलना, किसी का घर खाली करवाना, किसी सिनेमा हॉल के बाहर टिकटें ब्लैक करना, इस तरह के तुम्हारे लेवल के चिंदी काम करते रहना चाहिए था। अपनी औकात से बड़ा बिजनेस नहीं करना चाहिए। हम जो 5 साल पहले करते थे उसी की अभी याद दिला रहे हो जॉन? ये कोई अच्छी बात है? प्लान करके करेंगे ना। अरे इत्मीनान से रहो। किसे इत्मीनान से रहने को कह रहा है? छोड़ दो सब लोग। अरे राका छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे। मुझे क्या दिखा रही है गुस्सा? अपना गुस्सा जाके वहां पे। एक शब्द और कहा ना तो एक कदम भी नहीं चल पाओगे। इसका पैसा इसके मुंह पे फेंक दो। अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? सारे पैसे खर्च हो गए। अरे ए, रखा, अरे रखा, रखा। अरे 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 आउट, रुक जा। तेरा टारगेट मिस हो गया होगा लेकिन बचपन से ही मेरा टारगेट और मेरा लगाया हुआ निशाना कभी मिस नहीं हुआ है। अभी भी मिस नहीं हुआ है, उस जज का टाइम नहीं हुआ अभी तक। ए, आज तक तो वो जज तेरा टारगेट था लेकिन आज के बाद वो मेरा टारगेट है, चाहे जितने भी दिन लग जाए लेकिन उसे तो मैं ही जलाऊंगा। जाओ जान, आप देख क्या रहा है? किसी भी एजेंट को रख के उसे मार या ना मार, लेकिन 10 दिन के अंदर वो अपनी इंक्वायरी खत्म करे, उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। No!
finish him! ये कोई फुल अमाउंट नहीं है, जस्ट एडवांस। दस दिन में इससे चार गुना मिलेगा। लेकिन काम पूरा करने के बाद। फिकर मत करो, पूरा करेगा। उस जज की सुरक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किए गए हैं। उसे कहना कि सावधान रहे। क्यों माँ, सब लोग ठीक से एक्सरसाइज कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, सब लोग कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो मैं छोड़ूंगी थोड़ी ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन एक मैडम जी जो है, जब तुम यहाँ नहीं होते हो ना, मेरी एक नहीं सुनती है, बस अपनी ही मनमानी करती रहती है। ए, तारा। गुड मॉर्निंग अंकल। क्यों ऐसा करती हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हें दूसरों के लिए मिसाल बनना है, उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए। ढंग से एक्सरसाइज किया करो। ओके अंकल। और मेरे जाने के बाद सॉरी, ये क्या कोई बात नहीं साहब, बोलना चाहता था। Idiot. हाथ लंबा कर रहा हूँ तो मुंह में लड्डू रखा हुआ था, बोल नहीं सकता था, दूध लाया है। Stupid. साहब, क्या है? तो आपने प्यार से चेहरा पोछा वो? मेरे हाथ में दूध लग जाता ना, इसलिए। समझ गया। क्यों, अच्छी पड़ी ना? अब उसकी बारी है। क्यों इस तरह नानी और नातिन आपस में लड़ती रहती हो? नानी और क्या, बाप रे बाप। करेक्ट। हेलो, हमने कब लड़ाई की? बोलो, अभी तक क्या कर रहे थे? हम तो योगा कर रहे थे। तो ये योगा था? यस, वी आर ऑलवेज फ्रेंड्स। शांत केवड़ा, केवड़ा बताओ भैया, ये केवड़ा कहाँ है? अरे कोई तो बताओ, केवड़ा किधर है? ए, अंधों की तरह टकरा कर कैसे जा रहा है जुलाब केवड़ा? अरे हिंदी में मैंने डाटा, लगता है समझ गया। अरे ये तो इधर ही आ रहा है, निकल लूं नहीं तो लगता है मेरी पिटाई करेगा। लगता है चला गया। अरे बाप रे, ये तो आ गया। व्हाट, जुलाब की औलाद? जुलाब की औलाद मींस, औलाद का मतलब है फौलाद, जुलाब का मतलब है लूज मोशन। यू डैश मी, अर्जेंट लूज मोशन। श्रीमान, मैं धन्य हो गया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? महोदय, आप ज्ञान के सागर हैं। कलकत्ता में ठीक से हिंदी बोलने वाला मिलना मुश्किल है, उसमें भी आप जैसे परम ज्ञानी से मिलना मेरी खुश नसीबी है। जुलाब जैसे एक सिंपल शब्द का कितने समानार्थ, कितने भावार्थ दिए आपने। अरे वाह, आप तो बहुत जल्दी समझ गए। अच्छा ये बताइए, आप भी हिंदी वाले हैं क्या? तो क्या अभी तक मैं इंग्लिश में बोल रहा था? यही तो, आप कहीं नाराज ना हो जाएं ये सोचकर मैं खामखा डर रहा था। हाथ किधर है? यहां पर। हिंदी वाले हैं, कंफर्म हो गया। ये बताइए आप यहाँ कैसे? अरे मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा होने वाला बहनोई गांव से आ गया है। अभी अभी उसका फोन आया कि वो एक ब्रिज के पास खड़ा है। मैंने पूछा वो ब्रिज का नाम क्या है, उसने कोई केवड़ा या बेवड़ा ब्रिज का नाम बताया। हावड़ा ब्रिज? हाँ हावड़ा, 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 हावड़ा। आप जानते हो ब्रिज कहाँ है? लगता है आपको पता है। मजाक करने के लिए मैं ही मिला क्या? मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, हावड़ा ब्रिज में खड़े होकर हावड़ा ब्रिज कहाँ है पूछ रहे हो? ये मजाक नहीं तो और क्या है? हावड़ा ब्रिज यही है, आप धन्य हैं, धन्य हैं। ऐसा ब्रिज अगर आप गांव में दिखा देते तो वहां के लोग आपको मंदिर में बिठा कर पूछते। गांव में हावड़ा ब्रिज कहाँ? हाँ, गांव में तो हावड़ा ही नहीं है, मैं कुछ गलत बोल गया। बहनोई को ढूंढता हूँ। बहनोई, बहनोई, बहनोई। आप काफी परेशान लग रहे हैं, चलिए चलकर चाय पीते हैं। दो चाय दे। चाय बोला आपने? हाँ। कितने में भाई? पैसा मैं दे दूंगा ना। तो फिर मसाला दूध बोली। अच्छा बोल देता हूँ,
दो जिगरी दंदा दूध। ये जिगरी दंदा दूध क्या है? दूध तो दूध है। हाँ। जिगरी दंदा का मतलब होता है मसाला दूध। तो मुझे जो पसंद है वही बोला है ना? हाँ, जो आपको पसंद है वही बोलूंगा ना। जिगरी दंदा दो भाई, दो भाई। जिगर दंदा दूध। अरे ये क्या, एक ही घूट पे खत्म कर दिया? अरे ये दूध इतना मजेदार है कि मुंह पे रखते ही सर करके अंदर चला गया। ठीक है, और दिया दो। छोड़ दो, कहूंगा तो आप मानेंगे थोड़ी। ठीक है, मंगा लीजिए, अपना टैंक फुल कर लेता हूँ। जिगरी नंदा। अच्छा, आपका नाम क्या है? बैनर्जी। बैनर्जी? हाँ। लेकिन ये तो बंगाली नाम है ना? करेक्ट, मेरा ओरिजिनल नाम है शंभू। अरे अरे। फिल्मों का बैनर लगाया करता था तो लोग मुझे बैनर शंभू बोला करते थे। ये नाम मुझे बहुत खटकता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया कि शिवाजी, नेहरू जी, नेताजी जैसे नाम होते हैं ना, उनमें से जी निकाल कर उसे बैनर के पीछे चिपका दिया। तो ये हुई कहानी मेरे बैनर्जी नाम की। ओह, यहाँ कलकत्ता में यह नाम काफी फेमस है। लेकिन मैं पूरी दुनिया में फेमस हूँ। एक और लाना। तुम ही ऑर्डर कर रहे हो? अभी तो मैं ही ऑर्डर करूंगा ना। One more. बड़ा मजेदार है ना? जिगर दंदा दूध सुपर। ऐसा लग रहा है हम लोग हवा में उड़ रहे हैं। ये बात है। अरे ये क्या है, तो दुकान ले जा रहा है? इसका दुकान है, वो ले जा रहा है। और नहीं मिलेगा। टाटा, कोई बात नहीं। बाय बाय। वो लोग टाटा क्यों कर रहे हैं? जा रहे हैं ना, इसलिए। सही कहा आपने। बहनोई अभी तक नहीं आया? अभी आएगा। आना ही होगा। जरूर आएगा, आना ही होगा। अच्छा ये बताओ, मुझे कुछ जहाज में चलने जैसा लग रहा है। चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा है। हाँ, पानी दिख रहा है मुझे। दूध ज्यादा हो गया। ऐसा क्या, तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए। कुछ टूटने की आवाज आई, मतलब हम लोग जमीन पर हैं। अच्छा ये बताओ, क्या है? मुझे कुछ गोल गोल घूमने जैसा क्यों लग रहा है? मन में कोई बोझ हो हा? तो ऐसा ही होता है, उसे फौरन बाहर निकालना चाहिए। तो फिर मैं बाहर निकालता हूँ। जल्दी कर। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। अच्छा? उस घर में छोटी बच्ची से लेकर बुढ़िया तक मुझे परेशान करते हैं। अफसोस की बात है। एक आम आदमी सुबह कितने बजे नाश्ता करता है? मैं 8 बजे करता हूँ। मैं 12:30 बजे नाश्ता करता हूँ। तो दोपहर का खाना? 4:30 बजे। और डिनर? सुबह के समय। और कब सोते हो? अरे ये क्या पूछ रहे हो, खाना खा के मेरा डकार और मुर्गे की सुबह वाली बांग कोरस की तरह एक साथ बजते हैं, तो फिर मैं कैसे सो सकता हूँ भला? इतनी तकलीफ है? इसी वजह से मेरा सर हमेशा चकराता है। अब अभी देखिए, हम लोग जमीन पर चल रहे हैं ना? हाँ? लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मैं सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर कहीं जा रहा हूँ। पाँव में कितना सूजन है, इस तरह आपको टॉर्चर करने वाला कौन है? वही जज है। गांव में तो सिर्फ उनके परिवार वालों की ही सेवा करनी पड़ती थी, यहाँ पर तो पूरी पलटन को लाकर मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे जान से मार दूं। किसे? अरे उसी जज को। परसों ना जाने किसी ने उस आदमी पर निशाना लगाकर उसे शूट कर दिया। हाँ। लेकिन उसे गोली नहीं लगी, वो बच गया। पता है क्यों? क्योंकि उसे मेरी गोली से मरना है। तुमको गोली चलाना आता है? अरे हाथ में बंदूक हो तो गोली कौन नहीं चला सकता? अगर बंदूक नहीं मिला तो? चाकू घुसा कर अतनिया बाहर निकालो। और अगर चाकू भी नहीं मिला तो उसे मैं कच्चा ही चबा डालूंगा। इतना काफी है, चलो मेरे साथ। मेरा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। अरे ये क्या, अभी तक मैंने खून नहीं किया और मुझे कटघरे में पहले खड़ा कर दिया। योर ऑनर। चलो बैनर। हम बैनर लगाएंगे, चलो। ये बताओ बहनों, आएगा ना? आएगा या फिर नहीं आएगा? अरे हम सिनेमा हॉल में कब पहुंच गए? अभी अभी तो हम ऑटो से आए और लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदा, इतने भूल गए? सही है ना? ना। हाँ हाँ। लगता है भीड़ बहुत ज्यादा है, बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है क्या? लगा है। अच्छा ये बताओ, ये एक्शन फिल्म है या कॉमेडी फिल्म? किलर फिल्म। अरे यार सुनो, ये किलर फिल्म में काला बंदर क्या कर रहा है? अरे तू ही वो काला बंदर है। हाँ, मैं हूँ वही जज है। गांव में तो सिर्फ उनके परिवार वालों की। अरे ये क्या, बाहर की बातें पर्दे पर आ रही हैं? लाइव रिले। अगर मेरा थोड़ा ही मुश्किल में है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे जान से मार दूं। अरे बाप रे, मैं कुछ ज्यादा ही जोश में बोल गया हूँ। उस आदमी पर निशाना लगाकर उसे शूट कर दिया, लेकिन उसे। अरे भाई मैं तो ऐसे ही कह गया, तुम उसकी फिल्म बनाकर सिल्वर जुबली करोगे क्या? एक बात पूछूं, उसमें मैं ही दिख रहा हूँ, तुम किधर गए? सिर्फ तेरे ऊपर जूम किया है, जूम जूम। अरे वाह, डबिंग भी एकदम परफेक्ट किया है। चाकू घुसा कर अतनिया बाहर निकालूंगा। अबे ओए, इधर कोई दबंग चल रही है, जो सीटी बजाकर क्लैपिंग मार रहे हो? एड़े कहीं के, वही जज है। अरे इसकी तो एडिटिंग भी हो गई, री रिकॉर्डिंग भी कर लिया। अरे ये सब कब कर लिया तुमने?
शूटिंग के वक्त ही कर लिया। लेकिन ऐसी शूट करने की जरूरत क्या थी? खून करने के लिए। खून करने के लिए? ये कौन है? एडिटर है क्या? नहीं, इस एपिसोड का डायरेक्टर। तुम उसे डायरेक्टर कह रहे हो? ये तो खून खून बोल रहा है। तुम किसका खून करने वाले हो भाई? जज का। कौन से जज का? वो जिसका खून करना चाहता था, उसी जज का। उसे तुम क्यों मारना चाहते हो? करोड़ों रुपए जो लिए हैं। ओहो, उसके बाद? ऊपर जाएगा जज, भेजने वाला मैं, और अंदर जाएगा तू। किसके अंदर? जेल के अंदर। लेकिन क्यों? तूने तो अपना बयान दे दिया ना। कैसा बयान? फिल्म नहीं देखा क्या? हाँ वो तो। तेरा बयान मेरे कंप्यूटर चिप में है, उसकी डीवीडी बनाकर पुलिस कमिश्नर को भेज दूंगा। अरे पापियों, तुम लोगों की बातों से मेरे होश उड़ गया और ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जहाज पर आ गया हूँ। अबे जहाज में ही है तू। जहाज में हूँ तो तुम लोग मुझे जहाज में लाकर ब्लैकमेल कर रहे हो? ए, तुम लोगों की मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। पुलिस, पुलिस, पुलिस! अरे बाप रे, ये कौन है? बहनोई, तुम कैसे हो बहनोई? तुमको देखने के बाद ही मेरी जान में जान आई। गाँव में मेरी बहन अच्छी तो है ना? तुम्हारे माँ बाप तो कुशल मंगल से है ना? Excuse me, personal matter, please two steps back. Thank you. बहनोई, हमारे चारों तरफ जो खड़े हैं ना, वो सब खूनी दरिंदे हैं। लेकिन तुम फिकर मत करो, मुझे किसी तरह से बचाओ। ये क्या, कुछ भी कहो तो वो कर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे मुंह का ऑपरेशन किसने किया? तू कहीं का कैसा साला है तू? काले कौवे की औलाद, तू अन्न खाता या कुछ और? तू जैसा का सर को देना चाहिए। तुम्हारा फिर भी तुमसे बड़ा हूँ उम्र में, ऐसा नहीं बोला करते। छोड़ दे मुझे। क्यों बे, मुझे नौकरी दिला रहा है इसलिए तेरी काली क्वालिटी बहन से शादी के लिए मैं तैयार हो गया। उसके लिए तो मेरे तले चाटने चाहिए थे तुझे, ऐसा ना करके अब मुझे इन कुनियों के हवाले कर दिया। मैंने और क्या, अपना ब्रिज दिखाने के बहाने जिगरी डंडा दूर दिला के बेहाल कर दिया मुझे। तुझे भी? अरे बाप रे, इसे कहते हैं सच्चे रिश्तों का बंधन। रोने में भी हम एक दूसरे के साथ हैं। आंख उड़ालूंगा मैं। क्यों बे, तू जज का खून करना चाहता है और मुझे बता रहा है? झूठ झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ है ये। बिल्कुल, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तू वहाँ किससे बात कर रहा है? यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, हम लोगों को बिना बताए फिल्म बनाकर सभी को दिखा देंगे। सुन, तू सराफत से मुझे यहाँ से छुड़वा, नहीं तो मैं तेरी बहन से शादी कभी नहीं करूंगा। अरे ऐसी बातें नहीं करते, हिम्मत रखो, अभी मैं तुमको छुड़वाता हूँ। भाई साहब, भाई साहब, मेरी बहन दिल की बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी काली कलूटी है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके लिए इस घोचू को ढूंढा है। बात यह है कि इसके अलावा और कोई उससे शादी नहीं करेगा, इसीलिए सबसे पहले इसे छोड़ दीजिए, मुझे बाद में छोड़ देंगे तो भी चलेगा। प्लीज, ए, बात कर रहा हूँ, पानी में पत्थर कौन डाल रहा है? ये तो बहनोई की आवाज है, लगता है। बहनोई, बहनोई, अरे कोई तो मेरे बहनोई को बचाओ, उसे तैरना नहीं आता। अरे सब खड़े खड़े देख रहे हो, बहनोई, बहनोई। अरे अरे, मैंने बचाने के लिए कहा था, आप तो गोली मार रहे हैं। अरे मारिए। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब सुनिए, बहनोई को मारकर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैं कसम खाकर कहता हूँ, आप जो कुछ भी कहेंगे करने के लिए तैयार हूँ। कुत्ते की तरह रो क्यों रहा है? गले में पट्टा डाल दिया तो भौंक थोड़ी सकता हूँ। मुंह फोड़ दूंगा। अब बोल मैं कौन हूँ? खूनी। वो जज के लिए, तेरे लिए? मेरा बहनोई। कहाँ से आ रहा हूँ? बरेली से। मेरा नाम? अभी तक तो राका लेकिन आगे बजरंग। कमाल की बात है, 8 ग्लास भांग का दूध पीने के बाद भी तो समझदारी की बात कर। भांग का दूध? हाँ। लेकिन वो तो जिगर धंधा बोल रहे थे। बंगाली में वही भांग का दूध है। अबे धोखेबाज लुच्चे, खुद को बोल रहा हूँ यार। बजरंग बली। बजरंग बली? कौन सा बजरंग? होने वाला बहनोई बजरंग की याद दिला रहा था। अगर कुछ गड़बड़ की ना तो मेरे कंप्यूटर में तेरा बयान और शिप पे तेरा बहनोई, दोनों हमारे पास है, मत भूलना, दोनों आउट हो जाएंगे। अरे भाई ये सब किस लिए? अरे पुलिस, तुम्हें डर लग रहा है भैया? अरे इन पुलिस वालों को देखकर डर गया तो फंसा देता हूँ साले को। अरे पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो इसको, भाग रहा है, पकड़ लो उसको। छोड़ दो हमको, छोड़ दो साले साहब, साले साहब कहो ना हमको छोड़ दो, हमको। अच्छा, हम बचपन से ही पुलिस को देख करके डरते हैं, बताइए ना इनको। अगर नहीं बताओगे ना तो हम अगली गाड़ी पकड़ के गांव चले जाएंगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ओए कौन है बे, तुझे साला बोल रहा है? ये है ना मतलब मेरा अपना बहनोई। वो इधर क्यों आया है? अरे ये यहाँ पर मेरा असिस्टेंट बनने के लिए आया है। आपसे परमिशन लिया है? नहीं लिया। क्या? नहीं लिया। क्या? अरे लिया है ना सरदार जी। हेलो साहब, तो परमिशन लेती है कि? बोले पूछता हूँ। साले साहब ये अंग्रेजी में क्यों बोला है? अंग्रेजी? अरे वो बंगाली में बात कर रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आता? हिंदी के अलावा हमें कोई भाषा नहीं आता है, हमें छोड़ने के लिए बोलिए, हम गांव चले जाते हैं। अरे सरदार जी, सरदार जी सुनिए मेरी बात, मेरा बहनोई कह रहा है कि वो गांव चला जाएगा तो जाने दो उसे, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। नहीं नहीं, तूने सच कहा था। हाँ? उसे परमिशन मिल गई है, उसे बुलाओ बुलाओ। ये तो हमारे हाथ का रेखा छाप रहा है,
इसमें देखो। अरे वो कहाँ है? छोड़, इधरों जा, ते उठो वहाँ। साले साहब, हमका डर लगा थे, आप हमारे साथ चलो ना। ओ, जो मुझे कहना चाहिए वो ये कह रहा है, अरे तू जा ना अंदर। चेक करो, चेक करो। अब तो तू फंस गया बच्चू, अब यहाँ से आगे बढ़ के दिखा। इसमें जरूर कोई मेटल होना चाहिए। ये सब उठा के बैग में डालो और उसके बाद सब एक-एक कर चेक करना। एक मिनट रुको, सदाजी, ये सब सामान हमारे साल साहब को दे दो। ये चाबी हमका दे दे, ये हमारे घर का चाबी है, हमका जायका है। चाबी? अच्छा, तभी कहूँ ये बीप क्यों बजी? ओके ओके, कोई गल नहीं, तुम लोग जाओ। माता जी, समझ गया, अच्छी तरह समझ गया मैं। आप सब मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? मैं सब समझ गया। मेरे बहनोई का यहाँ आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, यही ना, इसे भेज दूंगा। बहनोई जी, तुम चलते बनो, मुझे यहाँ मेरे हाल पे छोड़ दो। साले साहब, आए वो चुप शिप। अरे रे रे, बहनोई जी, तुम्हें यहाँ से जाना पसंद नहीं तो क्यों जाओगे? इतनी सी बात के लिए रोया नहीं करते, तुम यहीं रहोगे। हेलो, कौन है? तुम क्या क्या काम करना जानते हो? मिम साहब, आप हमका पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? तनिक फिर से पूछो। ये कौन सी भाषा है? ये हमार बरेली की भाषा है। वो कहा है ना, हम देहात में रहते हैं और साले साहब शहर में है कि नहीं साले जी? हमार बहनोई सही कहा था। क्यों बनर्जी, तुम्हारा बहनोई तुम्हारी तरह क्यों नहीं बोल रहा है? वो कहा है ना माँ जी, कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने लोग को देखकर हमारे गांव की भाषा याद आती, मरने के बाद भी नहीं भूलेंगे, क्यों है ना साले साहब? अरे भला, मरने के बाद भी कोई बात याद रहती है? ठीक है, जो पूछा उसका जवाब दो। क्या क्या काम जानते हो? सभी काम कर लेते हैं मैम साहब, घर के काम से लेकर बाहर का काम, कंप्यूटर से लेकर सब कुछ कर लेते हैं हम। ओ, कंप्यूटर भी जानते हो तुम? अरे हमारे गांव में तो कंप्यूटर हर जगह मिल जाता है मैम साहब। सोनी वायो से लेकर एप्पल तक गांव की हर दुकान पे मिल जावत है। कंप्यूटर्स को छोड़ो, वो तो मैं भी जानती हूँ। टीवी का क्या क्या प्रोग्राम जानते हो? पावर रेंजर्स में आपको कौन सा कलर पसंद है? अरे जेटिक्स भी देखते हो, मुझे पावर रेंजर में रेड पसंद है। अरे हमका भी रेड पसंद है। जैक पता है कैसे करता है? अच्छा है ना, अच्छा है ना। जेटिक्स के अलावा डोरा भी पसंद है? हमें जेटिक्स से लेकर कुकिंग तक, डोरा से लेकर तारा तक सब कुछ पसंद है। का? हमारी आंटी का नाम भी तारा है, तुम्हें ये भी पसंद है क्या? अच्छा, सॉरी सॉरी मैम सर। इट्स ओके। वो सब छोड़ो, तुम कुकिंग में क्या क्या जानते हो? वो भी खासकर गुलाब जामुन बनाना आता है? आता है ना, मैदे में मेवे को अच्छी तरह मिलाकर उसमें पनीर को कद्दूकस करके इन तीनों को गूंद कर छोटे छोटे गोले बनाकर सुनहरे रंग होने तक घी में तलिए चाशनी में डुबोकर निकाल लीजिए, हो गए गुलाब जामुन। मेवे और पनीर की जगह अगर खोया डाल दिया जाए तो बन जाएंगे काले जामुन। उसके वर्णन से ही मुँह में पानी आता है। कल ही मेरा ये काम कर देना। कल क्यों बाबूजी, आज ही कर दूंगा। है ना साले जी? अरे इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, इत्मीनान से अपना काम कर। बनर्जी, ये आज ही ये काम करने वाला है तो तुझे क्या तकलीफ है? जब देखो खाने के बारे में बात करते रहते हो, खा खा कर कद्दू जैसा फूल गए हो, देखो तो। कोई बात नहीं माँ जी, सब कुछ खाने दीजिए, लेकिन अगर थोड़ा हाथ पैर लंबा करके योगासन करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ, योगासन भी जानते हो? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लीजिए, ये शीर्षासन है और ये है मयूरासन, और इसे कहते हैं एक टांग वाला चक्रासन, ये वीरभद्रासन, इस तरह टांग उठा लिया तो वक्रासन, ये चंद्रासन है माजी, ये सर्वांगन आसन, और इस तरह कला आसन, और ये कर्ण पीड़ासन, ये एक हाथ रखकर कूर्मासन। ये सब तुमने कहां से सीखा बेटे? पुरानी फिल्मों में धर्मेंद्र करते थे ना माजी। क्या भूल गए हैं माजी? धर्मेंद्र की फिल्मों को मैं थोड़ी ना भूल सकती हूँ। उनको देखकर उनका बेटा सनी करता था, अब सनी को देखकर हम करते हैं माजी। तो क्या दिलीप कुमार से कुछ नहीं सीखा तुमने? उनसे जो सीखा वही तो दिखा रहा है। तो दिलीप कुमार की तरह अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हो? अरे उनकी तरह तो हमको नहीं आता, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सुनो भाई, अपने साथ एक इतनी बड़ी मछली लाए थे, जब पकाओगे तो उसका सर मुझे देना। पकाएंगे तो सर अलग से नहीं आएगा ना? तो काट देना तो सर अलग हो जाएगा ना? क्यों साले साहब, काटना ही पड़ेगा। अरे मेरे मुँह से क्यों गुलवा रहे हो? तुम ही फैसला करके जो तुम्हारी मर्जी आए वो करो। जल्दी
माँ तुमने खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया, अब तुम जाकर खा लो। कौन है ये? साहब मैं यहाँ हूँ साहब। मैंने पूछा कौन है ये? ये मेरा बहनोई है, मेरा हाथ बटाने के लिए गांव से आया है। आप एक बार ना करके देखिए, मैं इसे बैरिंग भेज दूंगा। नहीं चाहिए बहनो जी? बहनोई साहब जी, साहब जी ये चप्पल पहन लीजिए, घर में सब जगह जूते पहन कर मत जाइए। आप कई जगह जाते हैं जूतों में कुछ कुछ लग जाता है, और घर में बहुत सारे बच्चे भी हैं, जूते पहन कर जाएंगे तो गंदगी फैल जाएगी, उस गंदगी से किसी को बीमारी हो सकती है, इसलिए दया करके ये चप्पल पहन लीजिए। सॉरी, तुझसे ज्यादा अक्लमंद है ये। इसे काम पर लगा। इसे काम पर लगाऊं? ये तो यहाँ पर काम तमाम करने के लिए आया है। बड़ी माँ, राजा मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं, अमिताभ को फाइट करते हुए देखा है, दिलीप कुमार को रोते देखा है, शाहरुख को हकलाते देखा है, और सलमान को अपनी बॉडी की नुमाइश करते हुए देखा है, लेकिन उन सारे लोगों को एक साथ जो तुमने अपने अंदर शामिल कर लिया है, ये काबिले तारीफ है मेरे लाल। तू बिना सिफारिश के ही सभी अवार्ड जीतेगा, अवार्ड जीतेगा। बस कैटवॉक की ही कमी रह गई थी। फैशन का है ये जलवा। खून खून खून। और की हाल चाल है? सब ठीक ठाक है ना? बस चल रहा है। प्रेम कित्थे है? अच्छा अब बताइए सर, यहाँ पर कोई नहीं है क्या? वो घर पे आ गया? हाँ सर आ गया है, लेकिन एक बात है सर, दिखने में वो बहुत मासूम लग रहा है। अरे वो एक्टिंग कर रहा है, तुम धोखा मत खा जाना। उसने जज को अपना टारगेट बना लिया है, मौका मिलते ही वो जरूर उसे खत्म कर देगा। जैसे ही वो जज को मारे, उसके अगले ही पल अपनी सर्विस रिवॉल्वर से तुम उसे खत्म कर देना। बात समझ रहे हो ना? अच्छी तरह से समझ गया सर, मगर ये अगर मगर क्या है? कहीं मैं ना फंस जाऊं सर, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। What nonsense! You are a black cat man. तुम कह देना कि वो जज को मार के भागने की कोशिश कर रहा था तो तुमने उसे शूट कर दिया। इस काम के लिए सरकार तो तुम्हें अवार्ड देगी ही, और रिवॉर्ड दूंगा मैं। खत्म कर दो साले को, बाकी मैं देखूंगा। ये क्या है? खून! उसने अपना काम पूरा कर लिया। अरे बाप रे, अब यहाँ क्या पोस्टमार्टम कर रहा है? अच्छा मछली काट रहा है। क्या कर रहा है ये? अरे बाप रे बाप, अरे ओ जालिम, सब्जियों के अंदर बीज तो होते ही है, लेकिन उनमें गोली बारूद में पहली बार देख रहा हूं। चुप कर। भैया भैया मेरे लाल, क्या है? कोई दो दिन के लिए अपना प्रोग्राम पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि आज शनिवार है भाई। तो सुना है कि शनिवार को मरने वाला अकेले नहीं मरता। फिक्र मत कर, तू साथ में नहीं जाएगा। नहीं ये बात नहीं है, तुम अपना काम दिन में क्यों नहीं कर लेते? क्यों, अंधेरे में क्यों नहीं मार सकता? अंधेरे में सन्नाटा है भाई, गोली की आवाज धम्म से सभी को सुनाई देगी ना। धम वम आवाज नहीं आएगी, साइलेंसर लगा हुआ है, आवाज दब जाएगी। आवाज दब जाएगी? अब तू शराफत से चलकर जज का कमरा दिखा। कमरा मैं दिखाऊं? नहीं तो किधर दादा आएगा? अरे भाई पूरे प्लान के साथ आने वाला एक मैप नहीं ला सकता था? अबे तू ही तो मेरा मैप है, अब चल। मुझे दिखाना ही पड़ेगा, तकदीर भी मेरे साथ। क्या क्या? वो बाहर जाने का रास्ता है। अच्छा बाहर जाने का है? जब से तुम मुझे मिले हो इस घर की तमाम सड़कें मैं भूल गया हूँ, चलो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। भगवान मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या हुआ? बस ऐसे ही मुझे डर लग रहा है। अच्छा सुनो, जरा सोच समझ कर जवाब देना, जज का काम तमाम करना ही पड़ेगा। बजरंग। तो फिर ऊपर जाने की सीढ़ी यही है, ऊपर जाने के बाद में सीधा जाओगे तो आखिरी कमरा जज का है। और एक मिनट भाई, पहला कमरा मत खटखटाना। क्यों? वहाँ उनकी माँ पूरी मेकअप के साथ सो रही होंगी, गलती से भी अगर तुमने उन्हें जगा दिया तो वो बच्चा ये कहकर सभी को इकट्ठा कर लेंगी वहाँ पर। तो फिर मेरे लौटने तक तू यहीं रुकोगे? बजरंग बली जपते जा। मुझे खुद जपना पड़ेगा, बजरंग बली, हनुमान जी, पवन सुत। ओहो रात को मैं पागलों की तरह से बड़बड़ा रहा हूँ यहाँ पर। Thank you.
क्या हुआ? जज साहब को मारने तुम अकेले आए हो ये सोचकर मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। तुम्हारी एक पलटन साथ आई है, मुझे बताना चाहिए ना। क्या बक रहा है? मैं बक नहीं रहा हूँ, तुम्हारी तरह बंदूक लेकर कोई और भी आ रहा है। कहाँ? वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है, देखो। अरे छत के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर बैठी है। पहले तू डिस्कनेक्ट कर, मैं देखती है कौन। शक्ल दिखा, शक्ल दिखा यहाँ। अरे ये बिजली कहाँ से आ गई? किसने स्विच ऑन किया? अरे बाप रे जज साहब। अरे बनर्जी पतली गली पकड़ ले। अरे उधर कैसी आवाज है? क्या हुआ? चुप, क्यों रो रही हो? ऐश्वर्या ने कनाडा से फोन किया था अंकल, सिग्नल बहुत वीक था। सिग्नल ढूंढते ढूंढते मैं फोन को आगे बढ़ाकर इस तरह ऊपर आ रही। बस वहीं रुक जाओ, उसके आगे हम बताते हैं। ये भुनुआ ऐसा लेके जाता है तो हमें लगा कोई खूनी अपनी बंदूक लेकर ऐसे जाता है। अब आप बोलो। तब इसने ये कपड़ा मेरे मुंह पर डाल। एक मिनट रुको, देख लेगा तो खूनी और भी स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए इसलिए ऐसा किया। अब बोल लीजिए। फिर मुझे जकड़ कर इस तरह। नहीं, इनको नहीं। मैंने खूनी को जकड़ लिया समझ के इनको जकड़ लिया। अब बोल लीजिए। उसके बाद सीढ़ियों से एक साथ रोल करके हम लोग नीचे पहुँचे। उसके बाद लाइट होने के बाद पता चला कि एक गनवा जो है वो फुनवा है और खूनी खूनी हमारे मेम साहब है। एक बात बताओ, रात में 12 बजे फोन में बात करने की क्या जरूरत पड़ी? और वो भी एक जवान लड़की को। मैंने ज्यादा फोन में बात करने के लिए मना किया है ना? सेल फोन और इंटरनेट हमारी प्रगति के लिए, हमें बिगाड़ने के लिए नहीं। समझ गई ना? जाओ और सो जाओ। चले। लेकिन तुम जाओ। एवरीबॉडी अच्छा ऐसा क्या? जी साहब जी ऊपर आओ। आ रहे हैं। अरे किसे बुला रहे हैं? उसे बुलाया है। फंस गया बच्चू। उन्हीं समझ के तुमने तारा को पकड़ लिया, ये गलत नहीं, लेकिन ऐसे बेवक्त में तुम ऊपर क्या कर रहे थे? पॉइंट ही पकड़ लिया है। साले साहब बता दें क्या? अब ये मुझसे क्यों पूछ रहा है? अरे बोलो ना। साले साहब ने ही भेजा था। किस लिए? ये हुई ना बात। बात ये है कि साहब जी, आपकी पीने के बाद जो विस्की बच गई है उसकी बोतल ऊपर वाले फ्रिज में होगी। इन्होंने कहा किसी की नजर में पड़े बिना उसे मेरे पास ले आओ, इसलिए हम चोरी छिपे आ रहे थे और फंस गए। ए उल्लू, साले साहब आपको बुला रहे हैं। साहेब, उल्लू का पट्टा। साहेब, शराब पीना गलत नहीं है, लेकिन खुद की कमाई से पीनी चाहिए। साहेब, तुझसे ज्यादा तेरा बहन हो स्मार्ट है। थैंकू जी। आज के बाद जैसा वो कहेगा वैसा तू करेगा। ऐसे ही होगा साहेब। चल निकल। जी अच्छा। सर, पका लिया? अभी तक तो नहीं जी। कल पकाओगे? जरूर जी। याद रहे सर मेरा। ठीक है जी। अरे भाई, जज साहब का सर इसे क्यों चाहिए? वो मछली के बारे में बोल रहा है बे चपड़ गंजू। अरे बाप रे। बस करो नानी माँ, बस करो और मत रो। अरे उन्हें मार के उनकी बॉडी वहाँ छोड़ के यहाँ अपनी बॉडी बना रहा है तू? कहाँ मर गया? आया माता जी, आ रहा हूँ। अरे देखो तो कैसे मार डाला तेरे बहनोई ने। अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता माता जी। माता जी मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मेरा इसके साथ कोई भी संबंध नहीं है, मुझे कहीं पता नहीं। अरे माता जी ये तो अच्छी खासी दौड़ लगा रहे हैं, फिर ये मातम किस लिए? अगर मेरा बेटा दौड़ रहा है तो मैं क्यों मातम मनाऊं? तो फिर किस लिए? अरे मेरा कुत्ता। मैं कुत्ता हूँ, मैं आपका वफादार कुत्ता ही हूँ। इस वक्त तुम्हें नहीं बोल रही है, वहाँ देख। अच्छा ये कुत्ता, लेकिन ऐसे बेजुबानों में तो इसे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं ऊपर योगा कर रही थी, इसी ने कुत्ते को दूध पिलाया। एक घंटे बाद आकर देखती हूँ तो ये मरा पड़ा है। वो मरा नहीं है बड़ी माँ, देखिए ना दूध पीकर आराम से सो रहा है। देख लिया, सांस चल रही है उसकी। मेरा बहनोई बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा कुछ नहीं बड़ी माँ, वो रात भर भौंक रहा था ना, इसलिए उसे थोड़ा जिगरी दंदा दूध पिला दिया। उसे भी पिलाया? जिगरी दंदा दूध, वो क्या है? गला साफ करने के लिए हल्दी मिलाया हुआ मसाला दूध। वेरी गुड, तुम्हारा हमेशा भला होगा।
ये इस घर में रहता है या नहीं, लेकिन तुम रहो, इसी में इस घर की भलाई है। अच्छा जी, ये अपना सिक्का जमाना खूब जानता है। जस से पहले कहीं ये मुझे तो नहीं टपकाएगा। यस चूज मी, एक छोटा सवाल पूछूं। उस दिन मुझे जिगरदंदा पिलाने की वजह तो समझ में आई, लेकिन आज मासूम कुत्ते को जिगरदंदा क्यों पिला दिया? मेरी गन उसके पास फंस गई थी, लेने गया तो भौंक रहा था। जिस तरह तुझे सुलाया उस तरह उसे भी सुला दिया। ओह, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे क्या हुआ क्या हुआ, तुम लोग इस तरह दौड़ भाग क्यों कर रहे हो? ये सब ले जाकर कहीं छुपाना है। क्यों, किस लिए? वो विदेशी नमूना लौट आया है, उसने देख लिया तो सब हजम कर जाएगा। विदेशी नमूना लौट आया? फौरन से लौटने के बाद तुम गाना अच्छा गाने लग गए हो चमनलाल। मेरा नाम चमनलाल नहीं है, प्रीमैन। ये प्रीमैन क्या है, सुपरमैन स्पाइडरमैन की तरह? प्रीतम के नाम से प्री को उखाड़ के एआर रहमान से मैन को चुरा कर दोनों को मिलाकर अपना नाम प्रीमैन। अरे भाई साहब, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मैं आ गया हूँ ना, अब ट्यून बदलो ट्यून। हंस क्यों रहे हो? तेरे गाने में कोई सुर ही नहीं है। सुर नहीं है, कौन हो तुम? भाई साहब, ये मेरा बहनोई है। भाई साहब, बहनोई? भाई साहब नहीं, मेरा असिस्टेंट है। भाई साहब, एक बावर्ची सुर के बारे में बात करता है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अभी इसे भेज देता हूँ यहाँ से। पसंद नहीं है? अभी तू निकल यहाँ से। अरे अरे अरे, इसका हंसना पसंद नहीं है। सुर के बारे में बात करता है भाई साहब? मुझसे सुर के बारे में बात करता है? ये ले पकड़ गिटार, चलो एक गाना गाकर दिखाओ। भाई साहब, तुम भी लिस्ट में आ जाओगे। इसकी मुझे चिंता नहीं है, अगर इसने नहीं गाया तो जज को बताकर इसे गिट आउट करा दूंगा। कुछ भी नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता? वो गाने में समझ में आ जाएगा। समझना होगा, समझ लूंगा। ऐसे गाने के लिए कहो वरना गिट आउट। ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? जज अंकल आ रहे हैं। कौन कौन हो तुम? मैं हूँ अंकल। अरे उठो उठो, तुम लंदन से कब आए? आज सुबह आया अंकल। अच्छा अच्छा, तुम मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो दामाद जी? अभी आपने जो रिश्ता बताया ना, उसी के लिए। इस घर में चाहे कोई कुछ भी बोले, तारा की शादी सिर्फ तुमसे होगी। थैंक यू अंकल। चलो। तारा, क्या हुआ? इतना बड़ा शौक लगा क्या इसे? क्या लाइन मिलाने के लिए तुम वायरिंग कर रहे हो? ये लाइन को मिलाने के लिए नहीं, लाइन को काटने के लिए। काटने के लिए? कुछ भी समझ में नहीं आया। उठा दे जरा। क्या भाई? ये लो। अब वो टाइमर दे। टाइमर? ये अच्छा, अलार्म रखना चाहते हो? अरे भाई, तुम्हारा अलार्म तो मैं हूँ, ये किस लिए? 8:30 बजे तक सोओगे क्या? सुबह 7 बजे जज दार्जिलिंग जा रहे हैं, मालूम है ना? सुना है उसके लिए तो गाड़ी आई है। उस गाड़ी के नीचे रखने के लिए ही मैं ये टाइम बम। बम है ये? तो सिर्फ गोली चलाना ही तुम्हारा काम नहीं है? खून करना ही मेरा काम है, कैसे भी करो क्या फर्क पड़ता है। सही है, बिल्कुल पते की बात कही। अच्छा, तुमने डॉक्टरों की तरीके से अपने हाथ में दस्ताने क्यों पहन रखे हैं? फिंगरप्रिंट्स लग जाएंगे ना। बहुत समझदार आदमी है तू। अरे भाई, सब मैंने उठा कर दिया तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तो आए होंगे। क्या बे, किसने बम लगाया पता नहीं चलना चाहिए? चल जल्दी से आ जा। मतलब बम तू लगाएगा और फंसूंगा मैं? हे भगवान, अच्छा खासा सो रहा था, यहाँ आकर फंस गया मैं। हाँ, आधे घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं गाड़ी के नीचे जा रहा हूँ, तू पास में खड़े रहना। अगर कोई आया तो तू मुझे चौंकाना कर देना, गड़बड़ की ना तो जान ले लूंगा। जाओ भाई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे वाह वाह वाह, अरे ये तो उछलने में बंदर से भी ज्यादा तेज है। अगर किसी बंदर ने इसे देख लिया तो वो शर्म के मारे खुदकुशी कर लेगा। खैर जाने दो, हम अपना काम देख लेते हैं। सर, वो वैन के नीचे बम सेट कर रहा है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। मुझे फंसाने के लिए ये बम फिट कर रहा है, पता नहीं जज के साथ और कितने लोग। शर्म नहीं आती यहाँ पर करते हो? मैंने क्या किया? अगर वो आई तो कहना कि तुमने मुझे नहीं देखा। अरे वही वो पागल प्रीमैन, मैं जाकर छुप जाती हूँ। कहाँ जाके छुपने वाली हो? उस बस के नीचे छुप जाऊंगी। अरे बाप रे।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी कहेगा मैंने उसे भेजा है और मुझे ही फंसा देगा। कहा है ना जज साहब सुबह जा रहे हैं ना, तो उन्होंने सुबह नाश्ते में पाया मांगा है। साले साहब को तो वो बनाना नहीं आता, इसलिए वो हमें खामखा परेशान कर रहे हैं। हमारी उंगलियों में चोट लग गई है, इसलिए हमें दस्ताने पहनने पड़ रहे हैं। साले साहब से बचने के लिए बाहर निकला तो ये गाड़ी दिख गई, इसके नीचे आकर हम छुप गए तो आपके सामने फंस गए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। ठीक है, गाड़ी के नीचे गए, इतनी देर हो गया, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अबे कौन है? अच्छा तू है? वो इस तरफ आई। कौन? मेरी वुड बी तारा। हाँ आई थी। नहीं 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 आई। आई या नहीं आई? हाँ आई थी। हाँ तो कहाँ चली गई? आके यहाँ से सीधे जाने के मतलब उधर मुड़ गई। यहाँ सीधे जाके यहाँ क्यों मुड़ गई? मुझे क्या पता, उसकी मर्जी, जिधर चली जाए। सीधे इस तरफ भी तो जा सकते हैं। जाओ ना। हेलो हेलो बेबी। व्हाट रे बाबा, तुम अभी तक चिल्लाई क्यों नहीं? मैं क्यों चिल्लाऊंगी? नीचे कोई भी नहीं है क्या? कोई भी नहीं है तो फिर कहाँ गया होगा? तू किसे ढूंढ रहा है? मैं तो अपने बहनों ही के बारे में कह रहा था। अच्छा ठीक है, मैं उस तरफ जाकर देख लेता हूँ। बहनोई, अरे ये क्या मेम साहब, दोनों तरफ आप ही हैं? अरे तू भी तो दोनों तरफ है। अरे मैं तो घूम कर आया हूँ। मैं भी घूम कर आई। अरे मैं तो अकेले बात कर रहा था। कौन है? कौन है? ओ हमेशा की तरह अकेले बड़बड़ा रहे हो। ठीक है ठीक है। ये बताओ मेम साहब को ढूंढते हुए तुम्हें वो उल्लू का पट्टा तो दिखाई नहीं दिया? कौन सा उल्लू का पट्टा? अरे वही उल्लू का पट्टा, घोंचू घनचक्कर लुच्चा लफंगा गधे की दुम, मेरा बहनोई। तू अपने बहनोई को ढूंढ रहा है और ये दामाद अपनी दुल्हन को ढूंढ रहा है। तुम क्यों ढूंढ रहे हो? अपनी काबिलियत दिखाने। अबे ओए, जो भी दिखाना चाहता है उसका कोई सही वक्त नहीं है क्या? घोंचू घनचक्कर लुचे लफंगे बदमाश। तू किसको डांट रहा है ये? मैं अपने बहनोई को डांट रहा हूँ साहब। देख लिया, तेरा साला तुझे कैसे कैसे नाम दे रहा है। कोई बात नहीं मेम साहब, साले साहब है ना। उस धुन को तारा को सुनाने के लिए मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, पर वो है कि हर बार स्किप हो जाती है। ठीक है, आज नहीं तो कल सुना देना। जब सुनेगी तब सुनेगी, लेकिन अभी तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। साहब भी जाग गए। किधर भागूं, किधर भागूं, किधर छुपूं? अरे सुन सुन सुन, तू अभी तक कहां पे छुपा हुआ था? नीचे ही था। क्या कर रहा था? सेट कर रहा था। किसको? बॉम्ब को। कर दिया? किस गैप में कर लिया? किसी भी गैप में लगाऊं इससे तुझे क्या चपड़ गंजू घोंचू घनचक्कर कहीं के? किसकी जान कौन लेता, ये कल सुबह देख लेना। चल भाई चल। अरे लगा दिया ना, अब ये नजारा तो मैं कहीं दूर जाकर देखूंगा। राका राका राका, अरे उन सबको मैं कैसे रोकूं? अरे अभी से क्यों रो रहा है, 8:30 बजे ही फटेगा। कितने बजे ये कोई बड़ी बात नहीं, कितने लोग ये बड़ी बात है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें नजारा दिखाता हूँ बाहर का। उधर देखो, छोटे बच्चे से लेकर बुढ़िया तक सब चढ़ रहे हैं। सामान इन लोगों ने आखिर क्या पाप किया है? देख लिया राका, तुम्हारा दिल पिघल के आंसू बन के निकल रहा है। अरे ये क्या रोना बंद करके हंसने लगे हो? जज, जज को जाते हुए देखकर खुश हो रहे हो? अरे पूरा परिवार जा रहा है भाई। ये उसकी बदकिस्मती है कि पूरे परिवार के साथ जा रहा है। ऐसी खतरनाक बात इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हो? चलो अंदर चलो। अरे अरे अरे, इसे डाजी ले जाके वहाँ भी सुनाओगे? हाँ और नहीं तो क्या। ओफो, इसे सुनूंगी तो मुझे लगता है मेरा सर ही फट जाएगा। मैं चाहे कहीं भी जाऊं, लेकिन इसी में मेरी जिंदगी और मौत सब जुड़े हुए हैं। सुना है मरने से पहले एहसास होता है कि मरने वाले हैं। लगता है यहाँ सबको एहसास हो गया है कि ये मरने जा रहे हैं। क्या हुआ, बैनर्जी कहाँ है? ये मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? वो यहीं पर है बड़ी माँ। तू मुझे फंसाना चाहता है? मैं नहीं फंसूंगा। हाँ माता जी, मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे ये क्या बोल गया मैं, मुझे मैं लेकर आ रहा हूँ इन्हें बड़ी माँ। मेरे पास मैं नहीं जाने वाला। करो सामान सब चढ़ा दिए बड़ी माँ। साले साहब को साथ में ले जाने के लिए बुलाया है ना? बढ़िया आइडिया। ए बैनर्जी, तू भी चलना हमारे साथ। मतलब जब मैं वहाँ था तो साथ चलने के लिए नहीं बुलाया? क्या ये आइडिया तूने दिया? मसाला पाउडर मिर्ची पाउडर वगैरह ठीक से रखा के नहीं, ये पूछने के लिए बुलाया था। सब कुछ रख दिया ना? रख दिए मैडम, सब रख दिए। ये जब मैं वहाँ था तब भी तो पूछ सकती थी, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? आप भी ना, तुम्हें माँ बुला रही है तो हमेशा हमारे साथ ही रहता है ना। चलो सब मिलकर चलेंगे। साहब जी, हर जगह मुझे भी साथ चलने के लिए कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? वहाँ खाना बनाने वाले तो होंगे, परोसने वाला भी तो चाहिए। अरे रहेगा तब ना। अरे तुझे तो चलना ही है। इनके सर से तो सब कुछ बाउंस हो रहा है। मैंने कहा बैठ बस में। साहब जी, अभी तक तो मैंने अपने कपड़े तैयार रखा है।
मतलब अंदर अभी तक जो रख रहे थे वो तेरे नहीं थे? नहीं, सब आपके कपड़े हैं साले साहब। क्यों मेरी जान लेने पे तुला है? साहब जी उबल रहा है। क्या? अंदर दूध नहीं, नहीं छास नहीं, नहीं खून नहीं, नहीं पानी, सब कुछ निपटा के किसी बस या ट्रक को पकड़ कर मैं आ जाता हूँ, आप जाइए साहब। अरे ये उबालना उबालना सब तेरा बहनोई देख लेगा, तू चुपचाप आ जा गाड़ी में। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ, जानता हूँ। अच्छे से होगा, कैसे आऊंगा कैसे आऊंगा। पुलिस, यही मेरे लिए सही मौका है। सॉरी सर, आई एम लेट, रस्ते में एक एक्सीडेंट। कोई बात नहीं, मेरे निकलने का सारा इंतजाम हो गया है। मुझे और भी देर हुई होती तो आप चले गए होते। वैसे भी जाएंगे। hey, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? अंदर जाओ। शुक्रिया। अरे रे, बस के ना जाने को कह रहे हैं साले साहब। अच्छा, तुम भी इनके साथ जा रहे हो? फिर से फंसा दिया। बजरंग जरा वाटर कैन ले आना। अभी लाया मैम साहब, अभी लाया। सिक्योरिटी एदी केशो, सर गाड़ी के बालों को चेक करे ना? सर मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया सर। सर योर कॉन्वॉय इज रेडी, सेफ जर्नी सर। थैंक यू। Hey, क्या है? Hey, ये कमिश्नर हैं। जानकारी बुला रहा हूँ सर, आइए ना सर। hey, क्या कर रहे हो? hey, अकेले कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? साहब जी मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, कह भी नहीं सकता, चुप भी नहीं रह सकता, क्या करूँ? कह दे क्या बात है? कह देता हूँ, लेकिन ये बात हमारे बीच रहना चाहिए, किसी से मत कहिएगा कि मैंने कहा है। यहाँ पर बजरंग बली। क्या मैं तो कुछ बात कह रहा था? मैंने बात थोड़ी कहा है, अब किसी तरह बात बदलनी होगी। साहब बहुत भूख लगी है, 10 रुपए देंगे तो कुछ खा लूंगा मैं। हाथ पे ही थूक दिया आपने। इसके लिए पुलिस कमिश्नर को ऐसे बुला रहे हो कि जैसे अपनी माशुका को बुला रहे हो? मतलब नहीं था वो। दूंगा एक। जा। हमारी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। सब लोग भगवान का नाम लो। सत्य है, बोलना बाकी है। सच नदी बारी बारी जाऊंगी मैं, सच नदी बारी बारी जाऊंगी। अरे भाई 8:30 बज गया क्या? अरे फट गया फट गया फट गया फट गया। फटने के बाद सबको ताली क्यों बजा रहे हैं? हे भगवान, फिल्म भी चला रहे हैं तो बम वाली फिल्म। अरे भैया कोई भक्ति फिल्म नहीं लगा सकते थे? हम कहता था थोड़ी जा रहे भक्ति पिक्चर देखेंगे, बैठे रहो चुपचाप। ये गुलाब जामुन मेरी बात कहां सुन रहे? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जिसने रखा है, वो खुद ही आ रहा है निकालने के लिए। अरे सुनो, गाड़ी रोको रोको रोको, जल्दी रोको, पुलिस ऑफिसर हॉर्न बजा के गाड़ी रोकने के लिए कह रहा है। अरे टीवी ऑफ करो। अरे बाप रे, आइए आइए आइए। क्या हुआ कमिश्नर, बस क्यों रोकी आपने? सब ये इस बेवकूफ बैनर्जी की वजह से। मैंने क्या किया? वो तो इसके बहनोई बजरंग ने हमें बता दिया। अरे उसी ने तो रखा है। मफलर को तुमने घर पर रखा या उसने? क्या मफलर? साथ में रहते हो, याद दिलाना तुम्हारा काम है ना। तो आप जो रखा है वो लेने नहीं आए? क्या रखा है? ये हुई ना। ए, तू इधर आ। बजरंग बली रेडी। अच्छा क्या रखा है? ए, क्या रखा है बताना। वही जो मैं भूल कर रखाया था, वो आप लाए? वही तो लेकर आए हैं। अरे छोड़ो यार, ये ले लो बड़ी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, सुना है वहाँ बहुत ठंड है, अगर ये नहीं होता तो एकदम ऊपर पहुँच जाते। जैसे अभी ऊपर नहीं पहुँचेंगे। आपकी तहकीकात के लिए शुभकामनाएं। All the best, sir. Thank you. अरे ये तो वापस जा रहे हैं। साले साहब शुभ यात्रा। सभी को शुभ यात्रा। तू भी हमारे साथ चलना। हाँ माता जी बुलाइए, उसको भी बुलाइए, हम सभी साथ मिलकर जाएंगे। नहीं नहीं बड़ी माँ, घर पे सारा काम वैसे ही पड़ा है, हम भी बाद में देखेंगे। तूने दार्जिलिंग देखा नहीं ना, तू चल हमारे साथ चल। दार्जिलिंग तो हम अकेले जाकर देखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं। मैं अपनी सीट तुझे दे दूंगा, सब लोग मिलकर बोलिए तभी ये साथ चलेगा। बहुत मजा आएगा, चलो ना। हमें नहीं आ रहा है, हमें छोड़ दीजिए। साहब जी ये आपकी बात मानेगा, अंदर चलो। साहब ने बोल दिया, आजा आजा, सब साथ मिलकर जाएंगे, साथ मिलकर जाएंगे, साथ मिलकर जाएंगे। ए, ये क्या है? अब तुझे डर नहीं लग रहा क्या? सभी लोगों के साथ साथ रखने वाला भी मरेगा तो मैं क्यों डरूंगा? अरे इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं, हर बात पे ताली बजा रहे हैं। बात सुनो मेरे लाल, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और देता हूँ। मुझे? तू? कुछ भी बहाना करो, चिल्लाओ, किसी तरह गाड़ी रोक के नीचे लगा हुआ बम निकाल कर अपने थैले में डालो और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, अगर जान प्यारी है तो। मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। तो फिर? उनकी जान की फिक्र। साहब जी टाइम कितना हुआ है? अरे ये क्या है, रामायण और महाभारत सीरियल के जैसे यहाँ चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है। मतलब स्वर्ग में पहुंच गए क्या? अरे ये कौन है? सब हमारे ही ग्रुप वाले हैं, स्वर्ग में भी जोड़ी बनाकर ही घूम रहे हैं। अरे ये कौन है,
ये तो माता जी है, स्वर्ग में भी फुल मेकअप के साथ घूम रही है। ये कौन है? अच्छा तो ये भी है। अरे कम से कम इसे यहाँ तो कोई चांस दे दो बिचारे को। क्यों बैनर्जी अंकल, कैसे हो? अरे देखा नहीं, मैं लाश बन के पड़ा हूँ। तुम सबको बचाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की। हमने सोचा कि आप बेहोश होके पड़े हैं, लेकिन अब तो पागल हो चुके हैं। अरे ये क्या बक रही हो बिटिया? हम नहीं बक रहे, तुम ही बक रहे हो। चलो अच्छा हुआ कम से कम होश में तो आ गए। होश में? सुबह से ही तुम बेहोश हो। इसका मतलब फटने से मरे नहीं? टायर फटने से कोई नहीं मरता। टायर फट गया, इसका मतलब ये स्वर्ग नहीं है। नहीं, दार्जिलिंग है। चलो साले साहब। अरे मर गया, मर गया, मर गया। चलो सब चलो। अच्छा ये बताओ, बम का क्या हुआ? टायर बदलते समय बम को हटा दिया। अच्छा क्यों भाई? अंदर तो मैं भी था ना, जीत कर हासिल करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, समझा? अब तो नहीं फटेगा ना? कब फटेगा और कैसे फटेगा ये कोई भी नहीं जानता। सही मौके पर सही जगह पर ढंग से फटेगा और इस जज के लिए यही दार्जिलिंग में आतिशबाजी होगी। जो जगह हमें विजिट करनी है वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ की लोकल पुलिस ने हमें तहकीकात में पूरी मदद करने का वादा किया है। वेरी गुड। सर ये पास के ट्राइबल एरिया के आदिवासी हैं। इनके कबीले से भी लगभग 20 से 25 बच्चे गायब हो चुके हैं। हमें गटर से जो कंकाल मिले हैं उनके डीएनए करने के बाद पता चला है कि उनमें इनके कबीले के बच्चे भी शामिल थे। क्या कह रहे हैं? एक मिनट। इनका कहना है कि जब से आपने तहकीकात शुरू की है इनके बच्चों का गायब होना कम हो गया है। क्यों राका? ए राका, तू कभी बोर नहीं होता? जब देखो मौत के खिलौनों के साथ खेलता रहता है। यही तो मेरा पेशा है, उसी के लिए तो आया हूँ। अच्छा ये सेल फोन, उसके नीचे वायर वगैरह, ये ब्लूटूथ से एक्टिवेट होने वाला बॉम्ब है। ब्लूटूथ क्या मतलब? मैंने अपने सेल फोन से 4 बटन दबा दिए तो ये फटेगा। हे भगवान, मारने का फिर से नया तरीका। अच्छा ये कहाँ रखने वाले हो? तो ही कोई आइडिया दे देना। मैं दूं? जज साहब कहाँ कहाँ जाते हैं? मुझे भी तूने अपने साथ शामिल कर लिया। बैनर जी। कौन है? अरे सामने से हटो ना बजरंग, इसे पकड़ो। इस गिटार को जाके कहीं छुपा दो। उस डीमैन से ना मैं तंग आ गई हूँ। अच्छा ये उसकी नजर में पड़ना नहीं चाहिए। ओके नहीं पड़ेगा, इसे कहीं पानी में फेंक देता हूँ। ए बजरंग, ये सर दर्द है। जी बड़ी माँ। तेरे सेल फोन का सिग्नल आ रहा है कि नहीं देख के बताना। जी अभी बताता हूँ। ए भाई भूले से भी मत कहना कि सिग्नल आ रहा है। हाँ बड़ी माँ, इस तरफ आ रहा है। मैं एक नंबर बोलती हूँ, मिला के देना। ठीक है जी। 9990072। ठीक है, संभाल के कहीं गलती से ये वाला नंबर ना लगा देना। रिंग जारी बड़ी माँ। हेलो, हाँ मैं आंटी बोल रही हूँ। ए भाई, इनके बात करने के बाद तूने जो नंबर सेट किया है कहीं गलती से दबा दिया तो फटेगा ना। जो भी हो तुम 10 कदम पीछे रहना। क्यों? मुझे जो बचना है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, मर गया। तारा तारा, हाँ? तुमने मेरा गिटार देखा? हाँ देखा। कहाँ? कोलकाता में। जो मैं दार्जिलिंग लेकर आया उसे पूछ रहा हूँ। उसे तो मैंने नहीं देखा। ए, वो बम डाल दे। अरे वाह, थैंक यू भाई। इसमें डाल। इसमें डालू? चलो ठीक है, मुझसे तो पीछा छूटा। अरे ये कितना रिस्क उठाता है। गुड प्लेस। सब लोग यहाँ आ जाओ। जल्दी आओ। इनकी बस्ती में आज एक शादी है और ये चाहते हैं कि हम सब शरीक हों। हम सब जाएंगे। उफ उफ, इन लोगों के साथ बोर हो जाएंगे अंकल। इन हम नहीं आएंगे प्लीज। शट अप। इतने प्यार से इन लोगों ने बुलाया है, हम सब जाएंगे। मैं भी इंक्वायरी खत्म करके वहाँ पहुँच जाऊंगा। खाना सब लोग वहीं खाएंगे, ठीक है? आजा, दिल ये चाहे ना जा ना जा। ओ चंदा चमक के पास आ, आंखों से मेरे दिल में समा।
मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक कांप रहे हैं। मुझे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? छोड़ो। क्यों दामाद जी, आप कहां जा रहे हैं? अंकल, फिर से न जाने कब कहां कौन सा बम फट जाएगा। अंकल, डर के मारे पेट हिल गया है। सुबह से इनकमिंग कुछ भी नहीं है और आउटगोइंग अनलिमिटेड निकलता जा रहा है। कितना भी रिचार्ज करूं लेकिन पेट में बैलेंस टिकता ही नहीं है। फटाके ऐसे फूट रहे जैसे दिवाली हो। डॉक्टर को फोन करता हूं तो नॉट रीचेबल आता है। मुझे जाने दीजिए अंकल। भाड़ में जाए जी। क्या कहा? मैंने कहा सुखी रहो। सॉरी मैडम, इंक्वायरी पूरा होने तक ये कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता चल गया है कि जो बम फटा था वो इनके गिटार में था। मतलब ट्रेन में अगर बम फटा तो इंजन ड्राइवर को पकड़ लोगे? तुम अकलबंदी की बातें कैसे करने लगे? डर के मारे अपने आप मुझसे निकलता जा रहा है। मुझे छोड़ दीजिए ना। करीब पहुंच रहे हैं। अच्छा जज साहब, इनके साथ आपका क्या रिश्ता है?
कहा जाए तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मेरे दामाद बनने वाले हैं। इनके दादाजी का मुझ पर एहसान। एहसान मतलब? दरअसल मैं एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, इनके दादाजी ने ही मुझे वकालत पढ़ाया। की भापसी की ओर मोने छाड़ बुना ओके आशुका ए, ये उसी का है। अगर है क्या तेरे मन में, एक बार मिस हुआ तो यकीन मानेगा, लेकिन हर बार मिस कैसे हो रहा है? हेलो हेलो, अरे जवाब देना, जिसने पैसे दिए उसे मैं क्या जवाब दूंगा? ए, मुंह खोलना। अरे तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? फोन दो बाबू। ए, तो ही बात कर। हाँ करता हूँ। ठीक है टेक इट इजी। ये बता तू यहाँ कब आ रहा है? हेलो अबू जान, लाइन में तो कोई और था, आपने तो सब कुछ बोल दिया। यहाँ क्या कर रही हो मैम साहब? कौन हो तुम? बजरंग। आखिरी बार किससे बात की? क्या सवाल है? आप ही से। आखिरी बार फोन पे किससे बात की? वो हमने गांव में अपने दोस्त के साथ बात किया था, उसने मुझे कुछ उधार दिलाया था, तो बार बार फोन करके पूछता है कि सेटलमेंट हुआ है कि नहीं, बस यही बात के लिए फोन किया था। ठीक है ये सब छोड़ो, उस गिटार को तुम्ही ने ले जाकर कार में रखा था, जो मैंने खुद देखा, उस गिटार में ही बॉम्ब था, इसका कोई जवाब है? मेम साहब आपने तो मुझे वो गिटार छिपाने के लिए कहा था, इसलिए हमने जाके उसे गाड़ी में छिपा दिया, अब उसके अंदर बॉम्ब था कि कॉम्ब था हमें क्या पता। वैसे देखा जाए तो आप ही ने उसके अंदर बॉम्ब रख के मुझे छिपाने के लिए कहा, ऐसा भी तो मैं समझ सकता हूँ ना। लेकिन आप ऐसे नहीं है, बस यूं ही उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ भी हो मेरे मन में शक है, ये फोन कमिश्नर को देकर सारी बात बताऊंगी और तहकीकात करवाऊंगी। एक मिनट रुक जाओ, आप पुलिस के पास जा रही है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आपसे करना चाहते हैं। क्या है बोलो। वो राज की बात है, इसलिए यहाँ नहीं, कोई भी आ सकता है, क्यों नहीं आप छत पर जाकर मेरा इंतजार करिए, मैं आ जाऊंगा। वैसे आपकी मर्जी। ठीक है इंतजार करती हूँ, जल्दी आना। अभी आ रहा हूँ मैम साहब। क्यों भाई, छत पर जाकर उसे तुम क्या बोलने वाले हो? कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। तो फिर? उसे मारने वाला हूँ। हाँ, उसे भी? अरे अरे अरे, उसे क्यों मारने वाले हो, उसने क्या किया है? उसे मुझ पर शक हो गया है। उसे मारने से पुलिस को तुझ पर शक नहीं होगा क्या? लेकिन वो तो खुदकुशी करने जा रहा है। आखिर खुदकुशी क्यों करेगी? उसने जो किया पुलिस को पता चल गया ना। क्या पता चल गया है? गिटार में बॉम्ब रखा था वो। वो क्यों गिटार में बॉम्ब रखेगी? जज का खून करने के लिए। वो क्यों जज का खून करेगी? सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है उस फाइल को क्लोज कराने के लिए। वो क्यों फाइल क्लोज कराएगी? दुश्मनों से पैसा जो ले लिया है। वो भला क्यों पैसा लेगी? अपने प्रेमी के साथ फॉरेन में जाके सेटल होने के लिए। अरे बाप रे, तो रकम कितना है? 3 करोड़। और वो पैसे कहाँ है? वो तो उसके लवर से पूछना पड़ेगा। लवर कहाँ है? उसे तो सीबीआई ढूंढेगी। सीबीआई क्यों? अरे ये कहानी तो तूने फिर से गोल गोल घुमा दी। सीढ़ी चढ़ते समय मेरा सर नहीं घूमा लेकिन अब घूम रहा है। इसलिए तू तू है। ए भाई, 10 कदम चलते ही तुम 100-100 कहानी बना लेते हो, ये कैसे? इसलिए मैं हूँ। तुमको देखता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ नहीं जी, वहाँ। जो भी है यहीं पर बोलो, जल्दी। वहीं पर, जरा अंदर आइए ना। ये कौन है बताइए? ये हमारी फैमिली फोटो है, मेरे बचपन में ली थी। और ये? ये राघव बचपन में भाग गया था। क्यों? वो राघव मैं ही हूँ। राघव तुम हो? हाँ मैं ही हूँ, मैं ही। इत्मीनान से सोचिए, अपने पिता को क्या मैं खुद मारूंगा? आप ही फैसला करके पुलिस को बता दीजिए। क्यों भाई, तुम अपने जज साहब के बेटे हो? यूं ही कितने स्टाइल से बैठे बैठे देख रहा है, साथ में आया हुआ बंदा इतना बड़ा पत्थर बांध रहा है, एक बार भी पूछता नहीं कि क्यों। क्यों पूछूंगा? सुन लिया? Yes! जो दिल में मैं सोचता हूँ तुम्हें सुनाई कैसे देता है? बताओ ये पत्थर मैं किस लिए बांध रहा हूँ? पानी में डुबकी मारने के बाद मन बदल के तैरते हुए बचना नहीं चाहिए ना, उसी लिए पत्थर बांध रहे हैं। ये सब तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। तू तो मौत का सौदागर है, मेरे मरने से तुझे क्या? मौत का सौदागर कौन है? कौन बोल रहा है मौत के बारे में? मैं ही बोल रहा हूँ, क्या बात है? आप सौदागर है?
आप तो महान तेरा है। सर अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पुल के कोने में क्यों खड़ा हूँ? अच्छा तुझे क्या चाहिए? मैं यहाँ पर हावड़ा ब्रिज ढूंढ रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू किया था वैसे ही शुरू कर आइए। हावड़ा ब्रिज के बारे में क्यों पूछ रहे हो? साले साहब ने बुलाया है। देख मुझे खूनी मत बना, निकल ले इधर से। नाराज मत होइए, चलिए चाय पीते हैं। अरे बाप रे, ठीक वैसे ही। ए, मेरी चाय पीने की आदत नहीं है, तू निकल इधर से। तो जिगरी अरे तू जाता है कि तेरा सर फोड़ू? रुक रुक, तुझे बताता हूँ कहाँ है पत्थर। अरे बचा, साला दिमाग खा गया। हाँ अरे रस्सी क्यों खोल रहा है? आहा बच्चू डर गया। बहुत सही मौका है, अभी मैं इसे ठीक करता हूँ। रस्सी मत खोल, रुक रुक। चाहे तो कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। मैं खुदकुशी करके रहूंगा। इतनी जल्दबाजी क्यों है? अरे तेरे साथ इंस्टॉलमेंट में मरने से एक साथ मरना चाहता हूँ मैं। अरे कूल डाउन। अरे कोई कूल नहीं, कोई डाउन नहीं। अरे उस लड़की से तुम राघव हो कहने के बाद तुमने मुझे देख के आंख मारी, इसका क्या मतलब है? मैं राघव नहीं हूँ, यही मतलब है। फिर उस फोटो में ठीक उसी लड़के को दिखा के तुमने कैसे कहा कि तुम ही राघव हो? अरे उस दिन बड़ी माँ वो फोटो हाथ में रख कर रो रही थी ना, मैंने पूछा क्यों रो रही हो? अच्छा राघव जो बचपन में घर छोड़कर भाग गया था उसे याद करके रो रही हूँ कहा। उसी वक्त अचानक जज घर पर आ गया। बड़ी माँ ने मुझे वो फोटो देकर कहा इसे ले जाकर कहीं छुपा दो। मैंने उसे ले जाकर छत पर छुपा दिया। आगे जैसे ही मैं तारा को धक्का मारने वाला था मेरी तरफ मुड़ गई। तभी मैंने फोटो दिखाई और कहा मैं ये राघव हूँ और पीछे छुड़ा लिया। बजरंगबली, बजरंगबली के नाम से मुझे डरा के वो जज साहब को टपकाने की बात की थी, अभी तक टपकाए तो नहीं? फिकर मत कर, आज ही टपका दूंगा। वादा करते हो? वादा। प्रॉमिस? प्रॉमिस ना गधे। ए, अगर तुमने उसे आज नहीं टपकाया तो मैं टपका दूंगा। अच्छा? हाँ बिल्कुल, तेरी मर्जी। अरे बाप रे, उस आदमी को मैं क्यों टपकाऊंगा? ओफो, इसके साथ रह के मेरा दिमाग इसके जैसा ही सोचने लगा है। मेरे लाल, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, किसी के सामने बताना मत। जी जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन सब रिकॉर्ड हो गया ना। कहाँ? वो देखो। अरे ये कैसे आदमियों की तरह खड़ा है? वो मेरी च्युइंगम के बैलेंस पे खड़ा है। ए, तू मुझे हर बार कैसे भी करके फंसा देता है। दूर हट, मुझे खुदकुशी करने दे। हट, मैं टाइट कर रहा हूँ ना। टाइट कर रहा है? मैं तो समझा तू खोल रहा है इसे। अरे पर क्यों खोलूंगा, कहीं रस्सी ढीली हो गई और तू तैर कर बच गया तो, इसीलिए टाइट कर रहा हूँ। अरे तेरा खुद का कुछ जमीर है कि नहीं पहले ये बता। अरे ये मेरे पैर में रस्सी कैसे बंधी हुई है? वो पत्थर बांधते वक्त पैर भी बांध दिए थे। अब जल्दी कर, लगता है ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे ये दिखाई नहीं दे रहा। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मुझे अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बाप रे, यहाँ से देखने से ही मेरी फट रही है। तू जा ना। अरे मुझे बचाओ, खुदकुशी नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे ये करवा रहा है। आशुन, दादा आशुन, मौजा देखुन, टाका फेंकुन। दीदी आशुन ना, देखिए देखिए नीचे तमाशा, देखिए कैसे लटका हुआ ये आदमी। मजा आएगा, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। अरे संभाल के, सीढ़ी है। किस तरह की चाल है भाई साहब? नहीं करने आऊं, वो मैं थोड़ा सा फिसल गया था। ओ, लगता है काफी चिल्लर जमा किया है। इनको कैसे पता चल गया? इनको चिल्लर जमा करते हो, आपने देखा क्या? हाँ, कहा है कि हमारे कैमरे में ये जो फिल्म रिकॉर्ड की है ना, ये मजे से देखो। तुमसे ले ले किसी तरह, तू जो कुछ भी कहेगा मैं करूंगा। बजरंगबली की कसम खा सकते हो? दोनों बजरंगबली की कसम खाता हूँ मैं। हा? अरे उसे मत देखिए, उसमें ये नहाते हुए दिखाई देंगे। बोलो खड़े नहीं, अरे उसमें ये नंगू पंगू खड़े हैं। मुझे दो, मैं देखता हूँ। अरे तूने मर्द को नहाते हुए नहीं देखा है? मर्द को नहाते देखा है, तुझे नहाते नहीं देखा। तो उसमें क्यों देख रहा है? आजा तुझे मैं लाइव दिखाता हूँ इधर। नहीं नहीं, उसके बाद मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ भाई, नहीं आएगा। जैसे कंपोजिंग करके तू बहुत बड़ा अनु मलिक बनने वाला है। अबे जा ना। राघव, राघव तुम ही बुला रहे हो? जी मैम सब। अरे मुझसे क्या फॉर्मेलिटी? बचपन में कंचे खेलते हुए हम बेट लगाते थे, तुम्हें याद है ना? हाँ, उसे तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। जब भी जीतते थे तो चुम्मा देने के लिए भाग के आते थे, याद है ना? चुम्मा। आओ बीबी, सोचता तो कुछ कुछ होता है, मैं चलता हूँ। बनर्जी आया। मालिक, मालिक ये तस्वीर यहाँ किसने लगाई? मैं नहीं जानता मालिक। क्या? मैं नहीं जानता। कहा नहीं जानता? ये तस्वीर यहाँ किसने लगाई, जल्दी बताओ। मैंने। क्यों लगाई तुमने? उस पर आपका जो गुस्सा है वो आज तक है या नहीं, वही जानने के लिए मैंने। कैसे नहीं रहेगा, मरते दम तक मेरा गुस्सा नहीं मिटेगा। वो एक खूनी है, तुम्हें पता नहीं? क्या आप उसे कभी नहीं अपनाएंगे? क्या मतलब? अचानक कभी राघव घर लौट आया तो? खून कर दूंगा, अपने ही हाथों से मैं उसे गोली मार दूंगा। लगता है इस घर में खून करना आम बात हो गई है। ए, क्या कर रहे हो? कांच के टुकड़े उठा रहा हूँ साहब जी, कहीं बच्चों के पैर में न लग जाए, इसलिए इन्हें उठाकर कचरे में फेंक रहा हूँ। करेक्ट,
इन कांच को कचरे में फेंक कर इस फोटो को जला दो। ऐसा क्यों किया तारा? यही है हमारा राघव। पहली बार जब इसे देखा तभी मुझे लगा था कि मैंने इसे कहीं देखा है। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो ना जॉन भाई। जॉन भाई, आप गुस्सा मत हो, राका हर रोज मेरे साथ टच में है। उस जज की उम्र लंबी है, हर बार बच जाता है साला। लेकिन तुम्हारी उम्र लंबी नहीं है, तुम नहीं बचोगे। सर, राका के बारे में आप नहीं जानते। नहीं जानते। वो जो भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता? आखिर कब तक? उसने कहा है कि वो 10 दिन में पूरा करेगा। अभी 10 दिन हुआ कहाँ है? कहाँ हुआ है? लेकिन उस जज ने इंक्वायरी खत्म कर दी है। अब 2 दिनों में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा और मैं खत्म। इडियट। इडियट। जॉन भाई, राका कोई भी कदम उठाने से पहले पूरा ध्यान रखता है कि हमें से कोई न फंसे। इसी वजह से सुपारी लेने के बाद वो भेस बदल कर जाता है और ड्रामा करके चुपचाप टपका के लौट आता है। मुझ पर यकीन कीजिए, 2 दिन के अंदर अंदर वो आपके काम को अंजाम दे देगा। अगर नहीं दिया तो? अगर नहीं दिया ना तो उस जज को मैं खुद टपका दूंगा। वरना only 2 days। अरे ओ बहनोई, अभी खाना बंद करो, पेट में तकलीफ हो जाएगी। पलटो। क्या है बड़ी माँ? बड़ी माँ, आपने मुझे चांटा क्यों मारा? इसे बहनोई कहा ना, इसलिए। बहन के होने वाले शौहर को हमारे गांव में बहनोई ही कहते हैं। ये भला तेरी बहन से शादी क्यों करेगा? फिर किससे करेगा? वो देखो, मेरी उस नातिन से करेगा। तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है ना बड़ी माँ? देखिए, चाहे कुछ भी हो, आपको साले सबको मारना नहीं चाहिए। अब ये नया ड्रामा किस लिए? ये नहीं होते तो मैं इस घर में कैसे आता ना? क्यों बेनर्जी, 15 साल से तुम हमारे साथ हो, इसे कभी घर नहीं लाए, अभी यहाँ पर कलकत्ता में लेकर आए हो, ऐसा क्यों? इन्होंने ही कहा था। क्या कहा था? पिताजी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें वहां ले जा पाऊंगा, कहा था ना? नहीं कहा था? इनफैक्ट मुझे इस परिवार में दोबारा शामिल करने के लिए अपने आप को छोटा बनाकर यहाँ नौकरी कर रहा है। इतने सालों के बाद भी पिताजी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, ये सोचकर इन्हें दुख हो रहा है। सॉरी बेनर्जी, हम तुम्हें मुझे माफ नहीं कर रहे। ये सब ऐसा क्यों कर रहा है? हम सब आपको बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन आप इतने अकलमंद निकलेंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो ठीक है अंकल, आज आपकी बोली एकदम सुधर गई। वो कैसे? आप फंस गया बच्चू। क्योंकि बचपन में ऐसे ही बोला करता था मैं, वो तो बीच में साले सब से मिलने के बाद मैं ऐसे ही बोलने लग गया। उसे बीच में ही छोड़ना अच्छा है ना? वेरी गुड। एक मिनट, एक बहुत ही जरूरी बात है। यही हमारा राघव है, ये राज सिर्फ हमारे बीच रहे। उस प्री मैन को या मेरे बेटे को पता चला ना? करेक्ट। अरे वो तो इस घर। किसे भाई? तुझे ही बोल रहा हूं बे। यहां सबके सब इस गलत फहमी में है कि तू बहुत अकलमंद है, इसे ऐसे मेंटेन कर। क्यों? ठीक है छोटे मालिक, ये जूठी प्लेटें सब साफ कर। अभी कर देता हूं। कैसा रंग बदल गया देखो इसको। बनर्जी आए मालिक, चक्कर घिन्नी की जैसे घूम रहा हूं यहां मैं। सर यहां तो बहुत कंफ्यूजन है, घर के सारे लोग राका को अपना बेटा मान रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, वरना हमें ही उसे मारना होगा। सिर्फ जज को ही नहीं, उस राका को भी। ओके सर। प्रीमैन, आज के बाद इस घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए। कोई आइडिया देना राघव। आइडिया तो है। हेलो मिस्टर प्रीमैन, गिटार में बम रख के जज को मारने की कोशिश करने वाला मैं। क्या? सॉरी, बेवजह सब तुम पर शक कर रहे थे। पागल लोगों, वो पहली बार अपने मुंह से सच कह रहा है और तुम लोग इसे मजाक समझ के ताली बजा रहे हो। मैं नहीं फंसूंगा, आई एम वेरी क्लेवर। गुड, लेकिन कभी गलती से भी उस हॉल में रखे पियानो को हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने वो बॉम्ब जज के घर में उस पियानो में ही रखा है। व्हाट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर वो पियानो का बजना रुका तो अगले पल में बम फटेगा और बजाने वाले के शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर बजाता ही रहूं तो? तो नहीं फटेगा, लेकिन कब तक बजाते रहोगे? अरे यही तो। लेकिन अगर ये राज बाहर आया तो अगले दिन तू जिंदा नहीं बचेगा। पर मैं तो पियानो बजाना शुरू कर चुका हूँ यार। तो तेरी मौत तेरे ही हाथों में है। ए, बंद कर।
लगता है जैसे मेरा सर फट जाएगा। हाथ हटा लिया तो मैं फट जाऊंगा। अभी भी लग रहा है कि फट जाएगा। वो फटना नहीं पड़ी माँ, समझो कि मैंने हाथ हटा दिया। नहीं नहीं, सोच के ही डर लगता है। ऐसा मामूली म्यूजिक से काम नहीं चलेगा, मुझे तो धमाकेदार म्यूजिक चाहिए। इसके म्यूजिक के बाद धमाका तो हो जाएगा ना बड़ी माँ। मैं तो बढ़िया सा स्टेज शो देखना चाहती हूँ। लीजिए देखिए। सुपर। लेकिन राजा रानी सब कहाँ पर हैं? चलो चलो तैयार हो जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आपको मेकअप की क्या जरूरत है? आपको वहाँ बैठकर शो ही तो देखना है। शो देखूंगी भी और दिखाऊंगी भी। बड़ी माँ, आपके होठों का लिपस्टिक राजेंद्र कुमार के जमाने का है ना? हाँ बिल्कुल। वो तो दुनिया से चले गए और आप अभी तक अपने चेहरे की पॉलिश कर रही हैं। ए, क्या कहा? नहीं बड़ी माँ, शो के दौरान मैं ये सोच रहा था कि मैं करूँगा क्या। जाकर लोबान सुलगा ले बेवकूफ। लोबान सुलगाऊ? जल्दी रेडी हो जाओ, सब कुछ तैयार हो चुका है। अरे, 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 क्या कर रही हो? मैं खुद कर लूंगा। ओफो, तुम कपड़े निकालो।
दिलवा तेरा जादू चल मिला जादू चल मिला जादू चल मिला चलो 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 निकलो हाँ चलो 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 अरे राघव सब आ रहे तुम लोग कहाँ खो गए चलो निकलो यहाँ से भागो चलो चलो अरे इनको क्या हो गया हेलो म्यूजिक डायरेक्टर हेलो 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 लगता है मर गया मतलब सब कुछ सपना था तेरे की गधा कहीं का अब तू क्या कर रहा है यही ए, क्या है बहुत पर निकल आए तेरे सुनो अभी तुम्हारे पिस्तौल और बम से डरने वाला नहीं मैं तो किसी भी सूरत में जज को मारने वाला नहीं बेवजह डर के मारे मैं अपनी तबीयत क्यों बिगाड़ूं बोर हो गया हूं मैं जा अपना काम देख अबे ओ साले तू इसी वहम में रह अगर मैंने अगले 24 घंटों में जज को नहीं टपकाया तो तू मुझे बात सुन तूने फैसला कर लिया है ना ये ले दूध पकड़ जज साहब ऊपर अपने कमरे में जाकर उन्हें गोली मार और मुंह में दूध डाल के आ जा सबके बाद आखिर में मैं लाश को देखने आऊंगा जा हैं ये क्या हमेशा वो मुझे डराता है और मैं कांपता हूँ आज मैं डरा रहा हूँ तो सिर झुका के जा रहा है मतलब इससे इसी तरह पेश आना चाहिए मुझे अरे बाप रे मर गया ये क्या है नहीं नहीं ये कभी नहीं डरने वाला ये तो टेररिस्ट है मेरा अंदाजा गलत निकला नहीं लगना चाहिए उनके आसपास निशाना लगाओ ओके ए ये इंटेलिजेंट गेम है यार बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे मैं थोड़ी देर में आऊंगा इस बीच में किसी की लाइट ऑफ हो गई तो वो गेम से आउट ओके 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 मजा आएगा ना हां क्या कर रहे हो तुम लोग यहां इस वक्त जाओ जाकर सो जाओ अरे लाइट ऑफ करना ये तेरा काम नहीं है शराफत से बाहर निकल तुझसे ये काम नहीं हुआ ना अब मैं करता हूँ तू खड़े खड़े देख लेना मैं मना कर रहा हूँ ना तुझे तो फिर कभी उस जज को मारने के लिए किसी और को भेजा तो मारने वाले को मैं ही ऊपर भेज दूँ उसे तू भी नहीं टपकाएगा और हमें भी टपकाने नहीं देगा क्यों उसके लिए करोड़ों रुपए लिए ये तू भूल गया मैंने नहीं लिया है ओ हमसे अलग हो गया ठीक है तूने नहीं लिया है ना कोई बात नहीं हम टपका देंगे उसे टपकाने नहीं दूंगा तू किससे बात कर रहा है तू अब्बू जान से बात कर रहा है भूल गया क्या बुला रही इसलिए
तू अभी तक जिंदा है। तू रिश्ते नाते के बारे में इससे बात कर रहा है? पैदा करने वाले को मार दिया था इसने, ये ऐसे ही बोलेगा? नहीं, पैदा करने वाले को कोई मार ना सके इसलिए बोल रहा हूँ। ओ, तो वही है तेरा पाप। वेरी गुड, अब बोलता हूँ, आखिरी बार बोलता हूँ, शराफत से हट जा। यही मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ, ये धंधा छोड़कर चुपचाप हट जाओ, इसी में हम सब की भलाई है। सलाह दे रहा है तू? बदल गया लल्ला, अगर हम लोग बदल जाएं तो अगले पाली हमें कोई टपका देगा, यही इस धंधे की खासियत है। जानता हूँ, तुमसे ज्यादा मैं इस धंधे के बारे में जानता हूँ। उसके लिए तू मेरे अबू जान को अभी से मरवाएगा? ए, क्या देख रहा है, खत्म करो इसको। चला, मुझ पर चला, तुझे पाल पोस के बड़ा किया इसलिए मुझे मार डाल। अरे टपकाना, क्यों, पैदा करने वाला बड़ा या पालने वाला, यही सोच रहा है? नहीं, अच्छा या बुरा ये सोच रहा हूँ। ओ, तेरा बाप तो अच्छा ही है। तू भी अच्छा ही है, लेकिन मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा, ये मत भूलना। ए, रुक जा, कान खोल के सुन ले, अगर जज के साथ साथ दो दिन के अंदर अंदर तुझे भी मैंने नहीं टपकाया तो मेरा नाम इब्राहिम सुलेमान नहीं। नाम बदलने वाले हो क्या? तुम्हारे लिए तो ये बहुत आसान है। टू थ्री हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझसे नाराज मत हो तारा, मैंने इनको लाख मना किया फिर भी ये नहीं। हम लोग तुम्हें खुश देखना चाहते हैं तारा, बीती हुई बातों को भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी माँ की मौत हुई थी, ये सोचकर आखिर कब तक आंसू बहाओगी तारा? हाँ आंटी, तुम दुखी रहोगे तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे? हाँ आंटी, अब जल्दी से आके केक काटो ना। ए, उठ ना, तेरे लिए जूस लाई हूँ। इसकी तो हर रोज की आदत है। राघव, किसी ने राघव को देखा है? हमारे पास एक ही जवाब है, हमने नहीं देखा। तू अपना होमवर्क करना। तारा, थोड़ा और खा लो बेटा। जाओ पापा, मुझे बहुत होमवर्क है। राघव, राघव, मुंह खोलो, मुंह खोलो। राघव को क्या ढूंढ रही है? तेरी बेटी रो रही है, पहले उसे संभाल ले, उसे ये संभाल लेंगे। अरे सर, देख के, देख के। राघव, ए, वड़ा पूरा खत्म मत करना, राघव को बहुत पसंद है। उसने खा लिया है मालकिन। उसने खा लिया? कब? सुबह होते ही खा के निकल गया। कहाँ? कोई पढ़ाई की किताब लेने गया है। पढ़ाई की किताब लेने गया है? चल बोल, कौन सा उड़ाऊ? ऊपर वाला। बदमाश, बस्ती में जाकर कंचे खेलता और वो भी पैसे लगाकर, तुझमें इतनी हिम्मत आ गई? हैं? मत मारो भैया, मत मारो। तुम नहीं जानती अनु इसने क्या किया है वहाँ बस्ती में जाकर? जानती हूँ, मैंने ही इसे भेजा था। व्हाट? क्या व्हाट? इसमें गलत क्या है? बंद कमरे में रहकर कब तक पढ़ाई करता रहेगा, इसलिए मैं इसे बाहर भेजा करती हूँ। कंचे खेलने में क्या बुराई है? आज कंचे पर निशाना लगाने वाला कल ओलंपिक्स में मेडल जीतेगा, समझते ही नहीं। अरे राघव दिखा, क्या भैया बच्चे को किस तरह मारा है? तुम इंसान हो कि जानवर? कैसे मैजिस्ट्रेट हो? तुम रोज मुजरिमों को देखते हो ना, इसलिए अपने बच्चे में भी मुजरिम नजर आता है तुम्हें। इनके सामने मत रह, चल मेरे साथ। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। भैया, माना कि तुम बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट हो, लेकिन आज तुम मेरी बात सुनो। जब बच्चे पैदा होते हैं तो सारे बच्चे अच्छे होते हैं, बड़े हो जाने के बाद उनका अच्छा बनना या बुरा बनना हमारी परवरिश पर होता है, समझ गए ना? पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी की बातों में डूबे रहते हो, महीने में सिर्फ दो दिन, इस पे ध्यान देके देखो, ये भी बदलेगा और तुम भी बदलोगे। चल राघव मेरे साथ। मंगल नहीं है। क्यों रो रहे हो? हमारा मंगल कल से स्कूल नहीं आएगा राघव। बम विस्फोट केस में इसके बाप को पकड़ा है ना, उसका कल फैसला होने वाला है। कहते हैं इसके बाप को फांसी या तो उम्र कैद की सजा होने वाली है, इसलिए फैसला सुनने से पहले ये सब गांव छोड़कर जाने वाले हैं। हम सबसे बिछड़ना पड़ेगा, इसलिए तुम रो रहे हो? मेरे पापा कितने अच्छे पता है, उनके बिना मैं कैसे रह सकूंगा, वो मुझे बहुत प्यार करते। तेरे पापा सच में बहुत अच्छे इंसान है। हाँ राघव, तो घबरा मत, मेरी तो माँ नहीं है, तेरी माँ का जरूर भला होगा, तो फिक्र मत कर।
तेरे पापा को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। मेरी माँ होने का क्या फायदा है बताओ मुझे, मैं 6 साल की हूँ और अपना खाना खुद ही खा रही हूँ, और ये सांड 10 साल का है फिर भी उसे खिलाना पड़ रहा है। क्या करूँ, मेरे खिलाने से ही ये खाता है, आदत जो पड़ गई है। तुम मेरी माँ हो या उसकी माँ हो? तुम दोनों की। देखो ना बड़ी माँ। तेरी तो माँ है ना तारा, उस बेचारी की तो माँ भी नहीं। बेचारा, और उसके पापा भी उससे प्यार नहीं करते, यही ना। लेकिन तुम तो रोज ही यही कहती हो। चल खा ले। It's okay. क्या हो रहा है? 8 बज गए, बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, जल्दी नाश्ता करो। क्या है ये, सब्जी में इतना नमक डाला है, कैसा खाना बनाता है बेवकूफ। नमक तो सही है मालिक, सभी लोग खा रहे हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। ये क्या अनु, मैं खाने के बाद बता रहा हूँ। सब्जी में नमक डालने का कसूर किया मैंने, और सजा उसे दे रहे हैं। कमाल का इंसाफ है। क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं समझाती हूँ। बम विस्फोट में कोई मर गया, लेकिन उसके लिए पटाखे बनाने वाले को पकड़कर उसे सजा देने में कौन सा इंसाफ है? किसके बारे में कह रही हो? शंकर परमार, जिसका मुकदमा चल रहा है, उसका बेटा इसका क्लासमेट है। उसका रोना इससे देखा नहीं जा रहा है बेचारा। उस स्कूल में कलेक्टर का बेटा पढ़ता है, वकील का बेटा पढ़ता है, इंस्पेक्टर का बेटा पढ़ता है, मारूं का काम करने वाले के बेटे के साथ दोस्त करता है। बस कर, बिन माँ का बच्चा है, इसे इस तरह मत मार। क्यों रे, अभी तो तू 10 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन इतने महीनों से मुकदमा सुनने वाले मुझ जैसे मजिस्ट्रेट को फैसला कैसे सुनाना है तू सिखाएगा? ये बता, अब की बार कौन सा रैंक मिला है? मैंने इससे पूछा है ना, कौन सा रैंक? अच्छा, तो तुझसे भी ज्यादा 4 अक्लमंद और भी है ना क्लास में, सिर्फ उन्हीं के साथ दोस्ती कर, वरना खाल उधेड़ दूंगा तेरी। अरे यहाँ क्या तमाशा हो रहा है, चलो अंदर। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा। अनु से कह देना कि मैं कोर्ट चला गया। ठीक है मालिक। साफ फोन। रहने दो, मैं देखता हूँ। हेलो, जस्टिस अस्थाना हियर। पापा मुझे बचा लीजिए पापा, मेरा किडनैप हो गया पापा। क्या बोल रहा है तू, अभी तक स्कूल नहीं गया? मैं जब रिक्शा से उतर के स्कूल जा रहा था, मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। पापा, मैं पुलिस से बात नहीं कर रहा, मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ, दुख रहा है। भागो, कहाँ हो तुम इस वक्त? ए जज। ए कौन हो तुम, हु आर यू? तुझे अपने बेटे की जान प्यारी नहीं है क्या? देखिए ऐसा मत बोलिए, वो मेरा इकलौता बेटा है, उस पर जान छिड़कता हूँ मैं। तो अपने बच्चे की जान की सलामती चाहते हो तो परमार का फैसला बदल के लिखो। तू उसे छोड़ दे, तभी मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगा, समझा क्या? मैं ऐसा ही करता हूँ सर, मेरे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं। ए तूने तो कमाल कर दिया, तू तो बहुत बड़ा एक्टर निकला यार, तुझे तो फिल्मों में चांस मिलेगा। अरे वो सब बाद में दे। पुलिस, चलो चलो चलो। देखिए बहन जी, इसे 24 घंटे के पैरोल पे छोड़ा जा रहा है, ये पुलिस वाला हर वक्त आपके साथ रहेगा, आप इसी के साथ वापस आ जाइएगा। ओके ओके, इसे पैक कर दीजिए। इसकी कीमत 25 रुपए। देता हूँ, पैक तो करो। ठीक है। मेरे फ्रेंड मही के घर से होके जाएंगे बुआ, प्लीज। ठीक है, आ जा। अरे सुनो, उस लड़के के साथ पुलिस भी आ रही है, चलो जल्दी करो, ये सब बंद करो, चलो जल्दी 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 करो, बंद करो, बंद करो। माँ देखो कौन आया है। अरे राघव बेटा, मेरा प्यारा बेटा, इतनी छोटी उम्र में हमारे लिए तुम जेल जाके आए हो। मैं यही समझूंगा कि अपनी माँ के लिए कुछ किया है, मैं जल्दी छूट जाऊंगा। तुम तो जल्दी छूट जाओगे, लेकिन मेरे बाप को 14 साल लगेंगे, इसीलिए मेरी माँ परेशान है। करना आ बेटा, बैठो बेटा। ये बताओ बेटा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उनका क्या है, वो तो ठीक ही होंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी बुआ वेट कर रही है। तुम बैठो बेटा, मैं मंदिर का प्रसाद लेकर आती हूँ। मुझे लेट हो रहा है आंटी। रुको बेटा, उस मंदिर के प्रसाद में बहुत शक्ति है, तुम बस 2 मिनट बैठो। अच्छा ठीक है। ए तुम मुझे कुछ नहीं खिलाएगा क्या? अरे तुम कहाँ हमारे घर का खाओगी, घर पे छाछ है। हाँ है ना, तो लाना। ए पैकेट खुलते ही एकदम बम फटना चाहिए, समझ गया? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बम बिल्कुल टाइम पर फटेगा। चलती हूँ बहन। हाँ पहले मुझे पता है वो कहाँ से आया। सॉरी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
थैंक यू. इट्स ओके. सब लोग जाकर खाना खाओ, जाओ. हेलो राघव. हेलो राघव, मैं मही बोल रहा हूँ. क्या हुआ? हे, सिगरेट पी रही है क्या? मेरा नहीं, पापा का है. वो कहाँ है? वो बालकनी में है. और तू यहाँ बैठकर पहरा दे रही है? चल जा, अपने गिफ्ट्स खोल के दे. मैं सबसे पहले राघव का गिफ्ट ही ओपन करूंगी. हाँ ठीक है ठीक है, पहले वही देख लेना. अभी उन्हें रंगे हाथों पकड़ती हूँ. अभी अभी मेरी माँ ने शराबी के साथ बताया, उस गिफ्ट को मत खोलना, उसमें बॉम्ब है. बदमाश, तुमसे कौन डरता है? तुम्हारे मुंह बोले भाई से डरता हूं. अभी ठीक करती हूं. अनु, कह रही थी पहले राघव का गिफ्ट खोल के देखूंगी, लेकिन देखो कहां फेंक के चली गई. अनु, बुआ खोलो, बुआ बुआ खोलो. मां की तरह तुमने मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरा क्या? ऐसे मौके पर इस लड़के को कैसे लेके जा सकता है? हमें अपना फर्ज तो निभाना है. बुआ, कल ही आपकी बहन राघव को इतनी खुशी खुशी यहाँ लेकर आई थी, इतने में ये सब कुछ हो गया. आज उसे वापस ले जाने के लिए ये पुलिस आई है. अभी तो पूरा कार्यक्रम बाकी है. अभी इसे कैसे लेके जा सकते हैं? मैं आपके जज्बात समझता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ. बात यह है, कोई मेरे पास बता रहा, वरना मैं शूट कर दूंगा. कोई मेरे पास बता रहा, कभी नहीं सुधरेगा. पैदा होते ही मर की जान ले, और अब तेरी अनु भी मर गई. पापा मेरे हाथ से चला, चला मुझ पर, मुझे भी मार डाल. नहीं पापा नहीं. अरे सब लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, छोड़ना मत उसे. From days you lived, all the smile that ages could let you cross those stages. कौन है जो दरवाजे पर पत्थर मार रहा है? बचेगा नहीं. मेरी जान बचाने के लिए सचमुच तुम एक फरिश्ते बनकर आए हो. दिखने में आप मेरे पापा जैसे लग रहे थे, इसलिए मैंने आपको बचाया. ओ राका, आज के बाद मैं ही तुम्हारा बाप हूँ. राका नहीं, राघव. वो वहाँ, यहाँ तू मेरा राका है. सिर्फ नाम ही नहीं, मैं तुझे भी कैसे बदलता हूँ ये देखना. अरे कलमुही, इस खानदान में जन्म लेकर ऐसा गंदा काम किया तूने. मुझे माफ कर दो नानी माँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा. आप ही को मेरी मदद करनी होगी. ये बात किसी को नहीं पता है ना? नहीं पता नानी माँ, ये बात मैं सबसे पहले आप ही को बता रही हूँ. मेरे लिए मेरे माँ बाप सब आप ही हैं. आप ही को मेरी मदद करनी होगी. अब दो या तीन दिन में प्री मैन के माँ बाप तेरी सगाई तय करने फॉरेन से आने वाले हैं. ऐसे मौके पर तूने ये क्या कर डाला कलमुही? कितने महीने हुए? 3 महीने. एक काम कर, उस प्रीमैन से शादी कर ले. मैंने जो सिलेक्ट किया वो तो गलत निकला. अब मैन हो या वुमन हो, कोई भी चलेगा. नानी माँ, वो प्रीमैन अच्छा आदमी है ना?
वो फॉरेन में पला बड़ा लड़का है, वहाँ के लिए तो ये आम बात है, उसके लिए तो सब कुछ ठीक है। ठीक नहीं है, मैं क्या इतना गया गुजरा हूँ कि ऐसी लड़की से शादी करूँगा? ऐसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। क्या? कमर पे एक बच्चा और पेट में एक बच्चे का ग्रुप लेकर आएगी और मैं इसके साथ शादी कर लूंगा? ऐसे बच्चे का बाप बनना सौभाग्य की बात है। हे भगवान, अरे भगवान, पूरा खाना नहीं बिगड़ा हुआ है, तुम इसे संभालो, मैं चला, मेरे लिए तो लंदन ही ठीक है। रुक जा, तू तो नए जमाने का लड़का है, अब क्यों भाग रहा है भला? उसके लिए किसी और की बनाई हुई धुन का मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहती हो? धुन चाहे किसी की भी हो, सॉन्ग हिट होना चाहिए। ये गाना नहीं है, बेगाना। थैंक यू नानी माँ, माय नानी माँ ग्रेटेस्ट। ये बताओ, फ्रीमैन को भगाने का ये सुपर आइडिया किसने दिया? मैं जानता था ऐसा घटिया आइडिया राघव ने नहीं दिया होगा। अच्छा ये बताओ, किससे शादी करने के लिए उसे भगाया? राघव से। क्या? जो भी हमने बताया सब याद है ना? कभी भूल सकता हूँ क्या? मेरी जिंदगी उसी पर टिकी हुई है, नहीं भूलूंगा। ए, ले आओ इसे। ए, के ऊपर नहीं आओ। ठीक है, तू क्या क्या बोलने वाला है जरा बता। राका नाम का एक खूनी है, हाँ उसे देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा। उसने मुझे किसी गोदाम में बांध कर रखा और मेरा साला बनर्जी जो बेचारा बड़ा मासूम है उसे बंदूक दिखाकर डराया और मेरे जैसा भेस बना के जज साहब के घर में घुस गया। वो वहाँ क्यों घुस गया? सवाल उनका जज साहब को टपकाने के लिए, जवाब मेरा। ये तू अदालत के सामने बोलेगा? सवाल उनका, माँ कसम माई बाप, ये मैं कहीं भी जाकर बोल दूंगा, जवाब मेरा। ये बात तू कहाँ जाके बोलेगा? कुछ गड़बड़ की, दस साले काट डालूंगा। भैया देख लेना, अब जाके दिखाऊंगा मैं अपना कमाल। अरे देखो वो साला भाग गया। अरे भाग रहा है वो, पकड़ो से, पकड़ो। अरे ये क्या अंकल, बचपन से अब तक मुझे हर मोड़ पर चौकन्ना रहना तुम्हीं ने सिखाया और आज तुम खुद ही फंस गए हो। वो तो डुप्लीकेट बहनो ही था, बरेली में किसी दुकान का पैसा साफ करके पुलिस से बचने के लिए कलकत्ता आया हुआ था। उसे जोर जबरदस्ती तुम पुलिस स्टेशन भेजोगे तो वो जाएगा थोड़ी, यहाँ से सीधा बरेली चला गया होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, इतने दिन साथ रहा इसलिए भी बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए, सिर्फ मेरे पिताजी को ही नहीं सब कुछ छोड़ दीजिए। रुपए लौटा देने से क्या मैं तुमको छोड़ दूंगा? इससे 100 गुना मांगोगे तो भी मैं देने को तैयार हूँ, उस जज को खत्म करने के लिए। राका को उस जज से अलग करना है यही ना? उसके लिए सिर्फ एक मोहरे को पुलिस स्टेशन भेजना काफी नहीं है, सारे मोहरों को एक साथ भेजना होगा। ए, पुलिस को फोन लगा। पुलिस को? हाँ पुलिस को, तुम सब मिलकर पुलिस स्टेशन जाओ, उनसे कह दो कि तुम कौन हो, टेल देम एवरीथिंग। तब पुलिस कहाँ जाएगी? वो आएगा, राका खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा, जेल के अंदर ही तुम लोग उसे खत्म कर देना और बाहर जज का काम मैं तमाम करूंगा। कल अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वो जज रहेगा ही नहीं इस दुनिया में। सैकड़ों मासूम बच्चों को किडनैप करके उनका रेप किया और उन्हें मारकर उनके अलग अलग अंगों को काटकर बाहर निकाला और उन्हें विदेशों में बेचकर करोड़ों डॉलर कमाने वाले बेरहम कातिल हैं ये सब। पहला मुलजिम जॉन रॉबर्ट इस गिरोह का लीडर है, उसे और इस गोरख धंधे में साथ देने वाले राजनीतिक नेताओं को, सरकारी अफसरों को और डॉक्टरों को मौत की सजा देने की मैं अदालत से सिफारिश करता हूं। ए, किसे मार रहा है? तू मुझे मारेगा? क्यों सर, इसे क्यों मार रहे हैं सर? चाचा जी बताइए कौन है? सर राघव को क्यों मार रहे हैं? ये राघव नहीं है, राका है। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं? उसे नानी माँ कहिए ना उससे ना मारे। क्यों मार रहे हैं उसे? आई से स्टॉप इट, बंद करो, मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है? सॉरी सर। क्यों मार रहे हैं इसे? अगर ये मेरे साथ चलेगा तो मैं इसे क्यों मारूंगा सर? नहीं सर, आप नहीं जानते ये। इसे मार मार के घसीटते हुए थाने ले जाओ। आप उसे नहीं पहचानते हैं, वो हमारे। जानता हूँ माजी, जानता हूँ, जानकर ही मार रहा हूँ। ये जो हमारे जज साहब है ना, इनको मारना ही इसका मकसद है। क्या ये मुझे मारने के लिए आया है? Do you have any evidence for that? उसका यकीन मत करो बेटा, मेरी बात सुनो, वो हमारा। नहीं, यकीन नहीं करेंगी, मैं जानता हूँ आप यकीन नहीं करेंगी। Bring them.
तारे। हाँ बड़ी माँ, साहब को मारने के लिए ही राका मेरा बहनोई बनके यहाँ आया था। मेरे बहन का होने वाला पति यह है बरेली का बजरंग, इसे जान से मारने की धमकी राका ने दी थी। इसी डर की वजह से मैं भी उसके साथ मिलकर आज तक ड्रामा करता रहा। किसी तरह से मैं उनसे पीछा छुड़ा के आज सुबह ही अपने साला साहब से मिला हूँ। हाँ बड़ी माँ, हम आपको खुद ही ये बताने वाले थे कि पुलिस आ गई। साहब जी, राका ने तो किसी का भी खून नहीं किया, फिर उसकी इतनी पिटाई क्यों कर रहे हैं? बस बस, जो बोला वो काफी है, बाकी अदालत में बोलना। ए, इन्हें लेकर जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं सर, हमारे पास पक्का सबूत है। इसके गैंग दाऊद और बाकी सभी लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है, इसीलिए इसके बैकग्राउंड की पूरी जानकारी हमें मिल गई है। ये एक सुपारी शूटर है सर, प्रोफेशनल किलर, पैसों के लिए बेकसूरों को मारने वाला, एंड वी हैव गॉट इनफ प्रूफ। सर, शैल आई प्रोसीड सर? एक मिनट। ए, तुम किसके कहने पर मेरा कत्ल करने आए थे? इस तहकीकात में तुम भी एक अहम गवाह हो, बताओ। ये नहीं बताएगा सर, ये ऐसे नहीं बताएगा। ये भी तो उस... चल, बता। वो अच्छा है, अच्छा है अबुदा, उसे यहाँ से ले जाओ, उसे मत मारो। सुनो एसीपी, जस्ट अरेस्ट हिम एंड डू योर ड्यूटी, बाकी अदालत में देखेंगे। सर, ऐसे लोगों के साथ कोर्ट में क्या होता है ये तो आपको पता ही है सर। गन फेंकने के लिए बोल, बोलना। मेरे पास गन नीचे करो, मैं कहता हूँ गन नीचे करो। मेरी बात सुनो। नो, राका, मत मारो उसे। You are committing a crime. ये खून कौरबो, बंदूक नीचे फेंको, put your guns down. तारा, ऊपर इनके कमरे में जाकर इनका लैपटॉप और इनका पेन ड्राइव सब कुछ बैग में डालकर ले आओ। नो, जाओ। तारा, don't do it. No. तारा, मर जाओ, वरना मैं यहीं पर मार दूंगा। पापी उसे मार भी सकता है, जाके ले आओ बेटी, जाओ। तारा, नहीं। नो। आओ, जल्दी आओ, सब कुछ लाइयो ना। सब लाई हूँ। गाड़ी में बैठो। Hey! Hey! Elena, he will die. Move. जाओ, गाड़ी चलाओ। अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या बक रहा है? मजाक कर रहा है? सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो जज को अपने साथ लेकर गया। जज को ही ले गया? हाँ सर। और लैपटॉप भी? हाँ सर, लैपटॉप के साथ साथ वो पेन ड्राइव भी ले गया। व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी में? हाँ सर। हाँ, तेरे साथ हमारे ही बंदे हैं ना, आर यू श्योर? हाँ सर, सारे अपने ही बंदे हैं, आप चिंता मत कीजिए। सॉरी मैडम, यहाँ जो कुछ हुआ मुझे उसकी खबर मिली। सर, ये राका जो है सर, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे भी हायर ऑफिसर हूँ मैं, तुमने मुझे इन्फॉर्म किया? सर, इसने किसी को इत्तला दे दी कि जज साहब अपने साथ लैपटॉप और पेन ड्राइव ले गए हैं। सर, ये झूठ। अरेस्ट हिम, हिरासत में लेकर के इसे ट्रीटमेंट दिलवाओ। टेक हिम टू द हॉस्पिटल। यस सर। सब बिकाऊ नहीं है, चल चल। मैडम, ये सच है कि राका ने पहली बार जज साहब का खून करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट कोलकाता में जज साहब पर जब अटैक हुआ था उसी दिन हमने उस ग्रुप को चेज किया था। Don't move! बस, ओके, छोड़े दाओ, तुम रह जाओ। इस तरह का टॉर्चर तुम लोगों के लिए एकदम मामूली बात है ना? किसी बहाने छूट जाएगा तो फिर से उस जज को मारने की कोशिश करेगा ना? नहीं। मैं जानता हूं तू उस जज को मारने की फिर से कोशिश करेगा। वो मेरे पिताजी हैं सर, भला मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? ठीक है, तू नहीं तो ना सही, किसी और को रख के वो जज साहब को तो मारेंगे ही। नहीं होने दूंगा,
तेरे पिताजी को मारने नहीं दूंगा। ये तुमसे नहीं होगा। नहीं, मुझसे होगा। वो बहुत बड़ा ग्रुप है, तुमसे नहीं होगा। मुझसे होगा, होगा। कैसे होगा? 24 घंटे उनके साथ रहकर उन्हें बचाना होगा, बॉडीगार्ड की तरह। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। मेरी बात मानोगे तो ये हो सकता है। उसके लिए तुम्हें अप्रूवर बनना होगा। ए, हंस क्यों रहे हो? अपने बाप को तो बचाओगे और हमारे डिपार्टमेंट के लिए अच्छा काम भी करोगे, क्यों नहीं करोगे? मैं, मुझसे नहीं होगा सर। होगा, ये तुमसे जरूर होगा। राका के जरिए उन बेरहम कातिलों को और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ही उसे हमने इस घर में भेजा। वो भी एक कातिल का किरदार निभाता रहा। जज की सुरक्षा के साथ साथ उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट सीबीआई को सबमिट करने की जिम्मेदारी भी उसने अपने सर पर ले ली थी। वो मुझसे मिलने के लिए ही कमिश्नर ऑफिस गया है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तेज चलाओ। देखो तारा, इसकी बातों में ध्यान मत दो। तुम गाड़ी को सीधे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। डरो मत। नहीं अंकल, ये आपको मार देगा। फिक्र मत करो, अगर मैं मर भी गया तो भी चिंता नहीं। मेरी बात सुनो बेटी, मेरी जान की फिक्र मत करो। नहीं पिताजी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आपको कुछ नहीं होगा। उसके लिए चाहे मेरी जान भी चली जाए तो भी कोई फिक्र नहीं। बिछड़े हुए हमारे परिवार के साथ मैंने एक हफ्ता बिता लिया है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ये मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है पिताजी कि मैं आपके इतना करीब हूँ। मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ पिताजी, आखिरी दम तक। अब बात कर लीजिए। कौन है? ए, हाथ हटा। बेटे रागव, तू रागव है ना? मेरा बेटा रागव है ना? पूरी जगह पेट्रोल डाल के सबको जला दो। Ah!
जज को ही नहीं, लैपटॉप पेन ड्राइव समेत सब कुछ मिटाना है। आपको बचा लिया पिताजी। Oh,
चारों तरफ है जलवा तेरा जादू चली।